बाकी अगर बच्चों को जगह नहीं होगी तो वर्चुअल क्लास का देख लेना। अब पजामे में नहीं आ सकते अभी क्लास में। चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार। हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। चलो सब लोग हो गए सेटल। शैल वी स्टार्ट फॉर द लेक्चर गाइस ने लाइव स्ट्रीमिंग कुछ तो बोलो भाई। इमेज ब्लर हो रही है। कैमेरा फोकस नहीं तो ना ते ओबीएस मध्य क्या हुआ? बहुत कड़ूस था ना? अच्छा अभी अभी फुल ब्रेक, अभी ब्रेक ही ब्रेक बोला, ब्रेक ब्रेक। चलो शैल वी स्टार्ट बच्चों, हो गया ना क्लियर? हो गया ना क्या? चलो एवरीवन शैल वी स्टार्ट? पक्का? ओके लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस गुड मॉर्निंग। चलो सो वेलकम टू गाइस ग्रुप टू एंड उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के ग्रुप वन के क्लासेस बहुत अच्छे हुए होंगे। यस सर। और आप लोगों में एक बहुत ही नया जोश, एक नई उत्साह, एक नई उमंग होगी ग्रुप टू की क्लासेस को करने के लिए, राइट? यस सर। तो दोस्तों हम लोग ग्रुप टू की जब बात कर रहे हैं तो ग्रुप टू में एक बहुत ही बढ़िया सा और एक मतलब इतना मजा आएगा आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, उसका नाम क्या है? ऑडिट। अभी इसका जो पूरा पूरा जो नाम है वो क्या है? ऑडिट एंड एथिक्स। क्या नाम है उसका? ऑडिट एंड एथिक्स। अभी थोड़ा अपन एथिक्स को बाजू में रखते हैं, अभी अपन फोकस करते हैं किसके ऊपर? ऑडिट के ऊपर। एथिक्स वाला जो चैप्टर है वो एकदम लास्ट में पढ़ेंगे अपन, ठीक है? सो ऐसा दो चीजें मिला के जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है ऑडिट एंड एथिक्स। अभी आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों ये 100 मार्क्स का है, ये बोलना बहुत जरूरी है। नहीं क्या होता ना, बच्चों को लगता है कि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, ऑडिट है, तो उसको थोड़ा ऐसा ना हल्के में ले लेते उसको, ठीक है ना? तो हल्के में लिया तो फिर एग्जाम में बहुत दर्द देता है वो, और फिर दर्द डिस्को होता है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग को डे वन से इसको पूरे जो इसके छोटे छोटे जो अच्छी अच्छी चीजें है ना वो आराम से समझना है। देखो अभी ये सब्जेक्ट जैसे हमने कहा कि 100 नंबर का सब्जेक्ट है, इसमें खास बात क्या है कि ये सब्जेक्ट 100% जो है ना थ्योरेटिकल है,
बहुत थ्योरी है इसके अंदर. कितना थ्योरी है? बहुत थ्योरी. मतलब आप अगर नोट्स खोल के देखोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा. मतलब और इसका मैजिक ऐसा है ना भाई कि जब अपन पढ़ते जाते हैं ना तो थोड़ा 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 आगे जैसे पढ़ते जाते तो ऐसा लगता है कि अरे साला सब सेम सेम ही है. ये एक बहुत खास बात है, पढ़ते जाते तो लगता है सब सेम है. तो ये अपने को समझना बहुत जरूरी है इसके अंदर. बट जैसे हमने कहा कि ये सब्जेक्ट जो 100% थ्योरेटिकल है, इसका दूसरा ही एक और एक सच है, वो 100% प्रैक्टिकल भी है. मतलब जो चीजें हम लोग थ्योरी में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उसको आप रियल लाइफ में आप उसको यूज कर सकते हो. और ये सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये सब्जेक्ट आप एकेडमिक्स के हिसाब से तो पढ़ ही रहे हो कि सर मेरे को सीए इंटर का एग्जाम क्लियर करने का है, मेरे को ये पढ़ा दो, मेरे को पास होने का है. ये एक इंटेंशन तो है ही है. बट सिर्फ यही इंटेंशन मत रखना, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगेगा, बहुत ड्राई लगेगा, मजा नहीं आएगा. आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सब्जेक्ट जो है ना आपकी रोजी रोटी है. कौन है? रोजी रोटी है. आप समझने की कोशिश करो, आपने वर्ड ऑडिट सुना तो होगा ना कहीं. मतलब जब सीए में एंटर करने से पहले आप फाउंडेशन में आए या आपने इंटर की जब सब्जेक्ट्स देखे आपने तो आपने एक वर्ड सुना था ऑडिट. तो आप समझिए कि जब आप इंटर क्लियर करने के लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ये है ऑडिट. अब इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लोगे, क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को आर्टिकलशिप करना है. तो आर्टिकलशिप में आप क्या करोगे, गेस करो. जाहिर सी बात है. तो अगर आप लोग यहां पे इंटरमीडिएट में अगर ऑडिट की पढ़ाई ढंग ढंग से नहीं करोगे तो आप आर्टिकलशिप में भी क्या ही करोगे. तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर उसके बाद आर्टिकलशिप तो करोगे सर, उसके बाद आप लोग सीए फाइनल में आते हो और सीए फाइनल में भी सब्जेक्ट है ऑडिट. समझा क्या बात को? उसके बाद आप सीए बन जाओगे और अगर आपके सामने दो ऑप्शंस, आपके जो ब्रॉड विजन आप रखते हो कि एक तो मैं प्रैक्टिस करूंगा या तो मैं जॉब करूंगा, तो दोनों में आपको क्या करना है? मतलब भाई आज से जब आपकी ये जर्नी ऑडिट की शुरुआत हो रही है ना, बराबर, आपको ये मरते दम तक आपको ये चीज समझनी है. आपको ये मतलब व्हेन वी स्टार्ट दिस सब्जेक्ट ना, तो आप समझिए आपका ये पूरा ब्रेड एंड बटर है ये, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अर्न मनी इन फ्यूचर. सो इसके लिए इसके जो छोटी छोटी जो चीजें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं, ये आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है. अंडरस्टूड? यस सर. अब जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये ऑडिट और ये क्या होता है, हम लोग उसके डिटेल्स में तो जाएंगे, बट जैसे हमने कहा कि हम लोग इसको रियल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं. और समझो बात को कि अगर कोई भी चीज का अगर वास्तविक में संबंध आता है, रियल लाइफ में अगर उसका कनेक्शन आता है, सो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई ना कोई कुछ कारण होगा, कुछ रीजन होगा कि हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी डूइंग दिस. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम लोग सिर्फ किताब में पढ़ के सिर्फ व्हाट के ऊपर फोकस नहीं करना है अपने को, हम लोग को फोकस करना है किसके ऊपर? व्हाई के ऊपर. जब आपको ऑटोमेटिकली उस चीज का लॉजिक पता चलेगा ना कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरेस्ट है ना सब्जेक्ट के अंदर वो क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा. एंड जब आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना तो उसके बाद पढ़ने में मजा आता है. क्योंकि आप समझिए आप लोगों ने अभी ग्रुप वन की बहुत सारी पढ़ाई करी है, आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि अगर सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अगर आपको वो सब्जेक्ट आपको फैसिनेट नहीं कर रहा है, भाई मजा नहीं आ रहा है यार इसमें क्या क्या चालू है इसके अंदर, तो आपको फिर वो पढ़ने के लिए मजा नहीं आता, फिर वो बर्डनसम लगता है, फिर वो बहुत बोरिंग लगता है कि क्या फन नहीं है उसके अंदर, बराबर के नहीं. हाँ मतलब कॉस्टिंग खर्चा निकालते बैठे गया ऐसे ऐसे, इसलिए मैंने ग्रुप वन के सब्जेक्ट की बात करी थी मैंने. यस. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो जब तक हम लोग उस सब्जेक्ट के रीजंस को, उसके लॉजिक्स को हम लोग जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, तब तक हम लोग को क्या है वो पढ़ने का फन, वो मजा जो है वो नहीं आएगा. सो हम लोग जब ये क्लासेस हम लोग कंडक्ट करेंगे थ्रू आउट द 2 months जर्नी, हम लोग यही एम करेंगे कि हम इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कराएं, आप इस काबिल बनो कि आप लोग ये व्हाई ये क्यों वाले क्वेश्चंस जो है आप लोग पूछे, और उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हम लोग फिर इसके डिटेल्स में हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं. राइट? यस सर. तो चलिए आज जरा कुछ है ना अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना. तो क्या है जरा एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के समझना. हम लोग जो है यहां पे जो बात कर रहे हैं, अपन लोग कौन है वाले हूं? आप लोग बहुत भारी लोग हैं अपन.
हम लोग जो है वो कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मतलब आप समझिए बात को, जब हम लोग इस क्लास में बैठे हैं ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं कोई नॉर्मल सीए फाउंडेशन पास वाला स्टूडेंट नहीं हुआ। दर्द हुआ सर, दर्द हुआ। मतलब आज तक हम लोग ऐसे बोलते थे इंटर में हूं, इंटर में हूं। टेक्निकली है कौन, सीए फाउंडेशन पास, करेक्ट है ना एकदम। हाँ, बीकॉम सीए फाउंडेशन पास, सब सेम टू सेम। तो आप समझिए बात को कि अपने को वो नहीं समझना है कि हम लोग जस्ट बीकॉम या जस्ट सीए फाउंडेशन पास वाले, अपने को फील करने का है कि मैं कौन हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसी इंटेंशन से आपको इस क्लास में बैठना है। जब भी ऑडिट की क्लास शुरू होगी तो एकदम रोल चेंज, कौन है भाई तू, ऐसा फील करने का, सीए। समझा गया बात को? तो एक गहरी सांस लो, अपने अंदर का फाउंडेशन पास वाला बच्चा हटा दो, वापस एक गहरी सांस लो, सीए वाले की आत्मा ले लो, अंदर ही रखो। तो बस अभी आप लोग सीए हो, अब सर इसे हासिल क्या होगा, अब इसे हासिल क्या होगा, हाँ बन गए सीए, अब क्या? तो आप लोगों को अभी जो है ना, मैंने कहा जैसे थोड़ी देर पहले कि आपका रोजी रोटी है ये, बट आप लोग को तो ऑडिट आता नहीं, आप लोग को ऑडिट का ये भी नहीं पता। पता है क्या आपको, क्या बोलते हैं ऑडिट का, चेकिंग, चेकिंग करते वो टिक मारते। तो हर्षद सर फुल फॉर्म क्या बोलते हैं मालूम है क्या, ऑडिट का फुल फॉर्म ऑल ए यू डू इज टिक। लोगों को क्या लगता है ऑडिट मतलब क्या है, टिका मारना बस, ऐसा लगता ऑल यू डू इज व्हाट, जस्ट टिक आने का, टिका मारने का, अबर अबरे का, हाँ उल्टा टिक मारने का। तो ऐसा ऐसा तो कुछ है नहीं अपने को। तो हमें यहां पे आज हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, आप ये समझिए कि अब मुझे मेरे यहां से जो बाहर, यहां से बाहर जाओगे ना, आपका क्लाइंट रुका हुआ है और वो आपको बोल रहा है कि यार ऑडिट करना है हमारा, हमारा ऑडिट करना है, और आपको तो ऑडिट आता नहीं। तो इसीलिए आज आप छुपके से यहां पे आए हो और आप पूरा पूरा ऑडिट समझोगे, फिर यहां से जब बाहर जाओगे तो क्लाइंट बोलेगा कि सर ऑडिट करेंगे, मैम ऑडिट करेंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल यस, और फिर आप जो हमने क्लास में जो सीखा वो आप वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में उस क्लाइंट के पास, उस एंटिटी के पास जाओगे, अब वो काम करोगे और आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा और आपके पास पैसा ही पैसा होगा। सही है ना, यस। सो अल्टीमेट मोटिवेशन क्या है, विटामिन एम। तो जो भी हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं। क्लियर है एकदम, यस सर। हाँ, किसी के फैंटेसीज अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बट बेटा अगर तेरे को रशिया भी जाना होगा तो उसके लिए पैसे तो लगेंगे ना, जाहिर सी बात है, बराबर। देखो तुम्हें जैसे चाहिए वैसे तुम काम कर सकते हो। सो अभी जैसे पैसे की बात हो रही थी, तो अपन जो है, अगर अपन बात करें जैसे यहाँ पे अपन बस एक थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अपन, तो टाटा मोटर्स का जो हम लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको जरा अपन ध्यान में रखते हैं। और बस आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज द ऑडिटर्स ऑफ दीज कंपनीज, हाउ मच मनी डू दे अर्न। क्योंकि क्या होता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि यार सीए हम लोग बन जाएंगे और पैसा किधर है, क्या है, तो है क्या सही में पैसा भाई, मतलब ये सी वैसे काल्पनिक बात है या सही में कुछ रियल लाइफ में उसका कुछ संबंध है। सो आते हैं हम लोग जरा यहाँ पे, क्या हुआ बेटा, हाँ टाटा मोटर्स की बात हो रही है यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं रेम्यूनरेशन। हाँ बेटे क्या हुआ, हाँ तो तुम ऐसे रशिया रशिया बातें करोगे तो वो भी हिल गया ना भाई, होता है ऐसा, फिर ऐसे तुम अजीब अजीब बातें बोलोगे, ऐसा थोड़ी चलता फिर भाई, देख ले रहे हो वहां पे वो क्या हो रहा, क्या हुआ बेटा, किसको रोकू, वो आप अपने हिसाब से देख लो भैया। हाँ सो अरे अरे अरे
चलो 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 एवरीबॉडी, अरे भैया इतना ओके सो अभी हम लोग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं, और बस आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि ऑडिटर्स को जो है हम कितना रेम्यूनरेशन देते हैं। क्या लगता है आपको, अच्छा खासा पैसा मिलता होगा इनको? सो ये यहां पे भाई ऐसे ऑडिटर्स आता गया आज कौन से पेज पे है? नहीं वो तो है, वो इसे दिखाना है मेरे को। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अरे मिल नहीं रहा ना, आएगा आएगा बेटा। ढूंढ के रहने का क्या? अलग से डिस्क्लोज करते ना इसको, अंडर सेक्शन नंबर मालूम है क्या आपको? आखिरी एक मिनट दे रहा हूं मैं, मिला तो ठीक, वरना वरना टाटा नहीं मतलब, हाँ ये रहा ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन मिला हुआ। सो कितना पैसा मिल रहा है? ऑडिट फीस ओनली 5.37 रुपीस इन करोर्स, मतलब एक क्लाइंट का आप अगर ऑडिट करेंगे तो आपको कितना पैसा मिल रहा है? क्लोज टू 5.5 करोड़, ठीक है। और ये तो सिर्फ कौन सा ऑडिट है भाई, अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट। अगर आप ये जो है ना IFRS के हिसाब से या टैक्स ऑडिट, टैक्सेशन मैटर्स का, कंसल्टेंसी का पैसा, अगर ये सब अगर भी आप काम करते हो सो आप देखिए पैसा अच्छा खासा मिल रहा है, बराबर है। तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, और सोचो ना ये सिर्फ एक क्लाइंट का एक साल काम करने का इतना पैसा मिलता। उस कंपनी के पास आपने सबने सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट पढ़ा होगा आप लोगों ने, कंपनीज का 20 पर पर्सन टू बी सीन एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ऐसा आपने सब पढ़ा था उसको, वो पर पर्सन है। आप सोचो पार्टनर में, फर्म में का एक पार्टनर वो 20 कर सकता है। अगर ऐसे आपके फर्म में आप 3-4 पार्टनर्स और हर व्यक्ति 20-20 ऑडिट करता है और ऐसे 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ अगर रेम्यूनरेशन लेता है तो क्या लाइफ सेट है ना भाई, आप समझ रहे। तो अपने को उस मुकाम पे पहुंचना है। वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट अ स्मॉल स्केल प्रैक्टिस और मीडियम साइज, अपने को वन ऑफ द बिग फोर बनाने का ऐसा ड्रीम करने का अपने को, समझ में आया? सो दिस इज वॉट वी आर एमिंग फॉर। तो इसीलिए आज जब भी हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये सब पढ़ने से आप जब CA बन जाओगे तो आप लोगों को ये इतना मोटा पैसा, भारी भरकम पैसा आपको मिलेगा। क्लियर है एकदम? यस सर। क्या बेटा? हाँ मैं पहले प्रैक्टिस करता था ना, मैं मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिस, माई एज वॉज वेन आई स्टार्टेड विथ माई प्रैक्टिस,
माय एज वाज 21. मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिस में एक क्लाइंट से मेरे को 8 लाख रुपए मिले थे, 4 लाख मेरे पार्टनर के, 4 लाख मेरे. आप समझो बात को. और उस फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिस में, ठीक है ना, और उसी फर्स्ट, मतलब आप सोचो 21 साल की उम्र में आपको कोई 4 लाख रुपए दे रहा है. आप जरा सोचिए ना, मतलब आपको आइडिया भी नहीं कि करना क्या है, मतलब पागल हो जाओगे आप लोग तो. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पैसा बहुत है, बराबर है. तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि बहुत आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, और उसके बाद जो है ना, वंस यू गेट द क्लाइंट्स एंड वंस द थिंग स्टार्ट्स टू रोल, सब बराबर हो जाता है. राइट, ओके. सो विद दिस, हम लोग जो है, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट वी आर, यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो अब सवाल ये है कि हम लोग सर क्या क्या काम करते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि सर हम लोग क्या क्या काम करते हैं, क्योंकि देखो अभी तो सब्जेक्ट है, ऑडिट की बात कर रहे हैं अपन. तो सवाल यह है कि हम लोग एक्चुअली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम लोग क्या क्या काम करते हैं. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अब ये सोचिए, मैंने कहा ना आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आप क्या क्या काम करोगे भाई. आप कंसल्टेंसी दोगे, आपने टैक्सेशन मैटर्स के बारे में आपने पढ़ा है, आप जीएसटी भी पढ़ रहे हो अभी, तो ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो, कंसल्टेशन दे सकते हो. वेरी गुड. नंबर टू, आप कंपनी लॉ भी पढ़ रहे हो, तो शायद आप कंपनी फॉर्मेशन, कंप्लायंसेस, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, ये सब आप कर सकते हो. टैक्सेशन ऑडिट आप कर सकते हो. और क्या काम कर सकते हो आरोप, थोड़ा अपना जो होराइजन है, जो स्कोप है, उसको थोड़ा ब्रॉडन करते हैं, बताइए. हाँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. अभी आप वो 144 का लिस्ट चालू मत कर देना, है ना, अकाउंटिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, है ना, ये सब तो चीजें, बैड माफिया, या सो अरे मैं बहुत होशियार आदमी हूँ भाई, है ना. तो ये सब चीजें हम लोग जो है वो काम करते हैं, ठीक है. सो अब जहां पे हम लोग जब बात करते हैं मेनली, अभी फोकस करना, थोड़ा काम की बात करते हैं. अब जैसे हम लोग है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है ना, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जब अपन अपना दुकान डाल के बैठते हैं, बराबर, तो अपन क्या कहलाते हैं, अपन क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस. क्या करते हैं अपन, प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना अपन. यस सर. और आप समझने की कोशिश करना कि जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है उस व्यक्ति को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रैक्टिशनर. क्या कहते हैं उसको अपन, प्रैक्टिशनर. उसको बोलते हैं प्रैक्टिशनर. तो फर्स्ट थिंग आप ये समझिएगा कि इसको प्रैक्टिस, प्रैक्टिशनर, ऐसा वर्ड क्यों यूज होता है. बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी हम लोग एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन, चेकिंग कुछ करते हैं ना, तो हम लोग जो है अपना अनुमान लगाते हैं, अपना जजमेंट लगाते हैं, अपना स्किल जो है ना वो हम लोग यूज करते हैं. और धीरे 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 जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं ना, धीरे धीरे वैसा अपना जजमेंट जो है वो इम्प्रूव होते जाता है. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी नेवर बिकम परफेक्ट. एवरी डे वी कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रैक्टिस. समझा गया बात को. मतलब एक 60 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस में भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा ना, स्टिल ही विल से दैट ही इज प्रैक्टिसिंग. अब ये मत बोलना भाई 60 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, परफेक्ट कब होगा, ऐसा नहीं बोल सकते. समझा गया बात को. वी आर कीपिंग ऑन व्हाट, अप्लाइंग आवर जजमेंट्स, वी आर कीपिंग ऑन अप्लाइंग आवर थॉट प्रोसेसेस. और हर दिन नए चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, और उन नए चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए हम लोग कैसे सिचुएशन को इंप्रूव करेंगे वो हम लोग सीखते हैं. समझ में आया आपको. सो दैट इज प्रैक्टिस. तो इससे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि जब भी हम लोग क्लास में कोई भी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, तो यू कीप ऑन सेइंग्स द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द टॉपिक. आप आपका जजमेंट लगाओ, आप भी सोचो कि इस केस में क्या होगा. हो सकता है कि आप गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज वॉट वी आर हियर टू लर्न. समझेगा बात को. डायरेक्टली आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि डे वन से मैं ना ऑडिट के सब अच्छे अच्छे सही सही आंसर्स दे दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है. बट जब आप आंसर्स देना चालू करोगे, तो आपका जजमेंट भी ग्रेजुअली स्लो एंड स्टेडी क्या होगा, इंप्रूव होगा. क्लियर है एकदम. यस सर. अब उसके बाद एक प्रैक्टिशनर की हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग जो दुकान डाल के बैठे हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं अपन प्रैक्टिशनर. अब होता क्या है, ये प्रैक्टिशनर जो है ना दोस्तों, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग दो टाइप का काम करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा डिटेल में आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। हम लोग दो टाइप का काम करते हैं। एक जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं अश्योरेंस सर्विसेज। कौन से सर्विसेज? अश्योरेंस सर्विसेज। एंड दूसरा जो है एनी गेसेस? नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। कौन से दो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग? एज अ प्रैक्टिशनर वी प्रोवाइड व्हाट? टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज, अश्योरेंस सर्विसेज एंड नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। अब आप ये पूछेंगे सर ये होता क्या है अश्योरेंस नॉन अश्योरेंस? अश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा दिलाना। क्या बोलते हैं अपन? अश्योरेंस मतलब अपन बोलते हैं भरोसा दिलाना। तो यहां पे क्या होता है ना, जब हम लोग अश्योरेंस सर्विसेज की बात करते हैं ना, अब फोकस कीजिएगा क्या होता है। एक जो है एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होता है। कौन? बोलो बोलो, टेक्निकल वर्ड है ये। एक होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। पहले टेक्निकल वर्ड्स की बात करेंगे फिर इसको अपने कॉमन मैन के टर्म में समझेंगे इसको। एक कौन होता है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जिम्मेदार व्यक्ति। ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ना ना ना, इस रिस्पॉन्सिबल पार्टी को क्या करना है, इसको बनाना होता है एक सब्जेक्ट मैटर। क्या बनाना है बच्चों? सब्जेक्ट मैटर, मैटर करना है उसको। कौन सा? सब्जेक्ट का, बराबर कि नहीं? और ये सब्जेक्ट मैटर वो कैसे बनाएगा? सो दिस सब्जेक्ट मैटर, दिस रिस्पॉन्सिबल पार्टी विल प्रिपेयर बेस्ड ऑन व्हाट? The applicable criteria, based on what? Applicable criteria. और इस applicable criteria को मद्देनजर रखते हुए, बहुत heavy हो रहा है ना सर, क्या बोल रहे हो तुम लोग? होने दो, मजा आएगा। क्या है, पहले ऐसा भारी भारी बोला ना तो ऐसा लगता कुछ भारी पढ़ रहे अपन, फिर सिंपल टर्म्स में उसको बात करेंगे फिर अच्छा ये है क्या है? So based on what? The applicable criteria. फिर ये एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से बनने के बाद ये सब्जेक्ट मैटर जो है ये दिया जाता है किसे? टू इंटेंडेड यूजर्स। किसे दिया जाता है ये? टू इंटेंडेड यूजर्स। आई बात समझ में? और ये यूजर्स उस सब्जेक्ट मैटर को इस्तेमाल करके अपने डिसीजंस जो है वो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है सर, सिंपल बात करते हैं अभी, बहुत बहुत हो गया ये। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब आप समझिए, ये जैसे आप लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हो, दिख रहा है आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मालिक ये कौन बनाया होगा रे भाई? नहीं नहीं मतलब तुम सच्ची सच्ची बोलो अभी यार, तुम ऐसा अभी ये नहीं बोलोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर मेरे को है ना सेक्शन सेक्शन में बात करनी पड़ेगी, फिर तुम बोलोगे अरे सर ज्यादा हो रहा अभी। ये कौन बनाएगा? याद करो वो लॉ के सुहाने दिन जहां हम लोग पढ़ते थे सेक्शन नंबर 128 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन नंबर 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके अंदर हम लोग बात करते थे कि मालिक ये बनाएगा कौन? अरे आप लोग को बोलना है चुप चुप नहीं बैठना ऑडिट की क्लास में, बोलते रहना है। कौन कौन बनाएगा इसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब उसमें कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। ऐसी कुछ बात हुई थी अपनी? अरे बोलो मालिक। यस सर। तो भाई ये सब किसके अंदर के लोग है ये? अरे किधर के लोग है ये? मैनेजमेंट के लोग है ना, बराबर के नहीं? तो आप समझिए ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसको ये सब्जेक्ट मैटर बनाना है वो कौन है? मैनेजमेंट है कंपनी का। समझा गया बात को? उसकी जिम्मेदारी है कि उसको वो सब्जेक्ट मैटर बनाना है। अभी इस केस में सब्जेक्ट मैटर कौन सा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझा गया बात को? तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी की जिम्मेदारी है क्या बनाने का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो कैसे बनाएंगे? बेस्ड ऑन एप्लीकेबल क्राइटेरिया। अपन कैसे बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बेस्ड ऑन शेड्यूल 3। अकाउंट्स में पढ़ा है हमने पूरा, आपने पूरा रट लिया था उसको, चाट लिए थे पूरे फॉर्मेट को, 10 बार लिखा था आप लोगों ने उसको, बराबर है कि नहीं? तो वो शेड्यूल 3 के हिसाब से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने चाहिए, दैट इज द क्राइटेरिया। अब आपको समझ में आया कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी बनाएगा क्या? सब्जेक्ट मैटर, बेस्ड ऑन व्हाट? एप्लीकेबल क्राइटेरिया। और वो जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने सब्जेक्ट मैटर बनाया वो किसे देना है? इंटेंडेड यूजर्स। अब उपभोक्ता कौन कौन हो सकते हैं बताइए आप? शेयर होल्डर हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, एम्प्लॉई हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है,
गवर्नमेंट हो सकती है, बैंकर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है। अरे सर बहुत सारे लोग होंगे यार जो यूज करते होंगे इसको। yes, सही बात है ना एकदम। यस yes, सर। अब काम की चीज, अभी आप मुझे बताइए, जब ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी इस सब्जेक्ट मैटर को बना रहा है और ये सब्जेक्ट मैटर उस इंटेंडेड यूजर्स को दे रहा है, जैसे ये आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाटा के मैनेजमेंट ने बनाया और आपको दे दिया, ठीक है ना, ठीक है ठीक है, क्या आप सीधा सीधा ये मैनेजमेंट बढ़िया एकदम एक नंबर है, चलो मेरे करोड़ों रुपए लगा दो इस कंपनी के अंदर। बैंकर बोलेगा दे दो इसको करोड़ों का लोन, क्रेडिटर बोलेगा दे दो इसको उधारी पे माल, क्या बात कर रहे, ऐसा नहीं होगा। अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना मालिक सामने, यार ऐसा मत करो यार, ऐसा दे देना चाहिए ना लोन, अभी उधारी पे माल दे देना चाहिए ना, नहीं क्यों, नहीं नहीं क्यों 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 क्यों, सर समझने की कोशिश कीजिए, हमें उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अभी तक भरोसा नहीं आया है, आप समझ रहे बात को, हमें अभी तक उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं आया, क्योंकि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय पे मैनेजमेंट जो है ना वो कुछ कुछ गड़बड़ कर सकता है सर, वो फ्रॉड कर सकता है, वो सर वो चोरी कर सकता है सर, वो बराबर की नहीं, इसलिए हमको भरोसा नहीं है, समझे क्या आपको। और सर मतलब ये तो छोड़ो मैनेजमेंट का भरोसा छोड़ो सर, हम कहते चलो मान लो मैनेजमेंट बहुत ईमानदार है, अरे बट जब अकाउंट्स मेंटेन करते समय पे हमने बचपन में सीखा था अलग अलग तरीके की गलतियां हो सकती है हमसे, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपेंसेटिंग एरर, ऐसा ऐसा बहुत सारा एरर हो सकता है भाई। और सोचिए उस समय पे अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में बुक कर दिया तो कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग है वो लॉस में दिखेगा ना भाई, सही बात है ना एकदम। अगर राम के अकाउंट के जगह पे शाम में डाल दिया तो रिसीवेबल पेएबल अलग दिखेगा ना भाई। तो ऐसे अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर गलत तरीके से होंगे तो सर हम लोग जो है ना उसके ऊपर अपना डिसीजन नहीं ले सकते, हमको भरोसा नहीं है, और फिर हम लोग ऐसा ना ना नहीं 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 ऐसा हो जाएगा तो भाई फिर वो कंपनी को तो ना कभी लोन मिलेगा, ना क्रेडिट पे मटेरियल मिलेगा, ना कुछ होगा, तो भाई अब करे तो क्या करे भाई, तो अभी कोई देव मानुष को बुलाना पड़ेगा, कोई एंजल को बुलाना पड़ेगा, समझा क्या बात को, किसी एंजल को बुलाना पड़ेगा, एंजल प्रिया नहीं कोई एंजल को बुलाना पड़ेगा, कोई फरिश्ता आना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो वो फरिश्ता जो है उसको हम लोग कौन बोलते हैं, ऑडिटर नहीं बोलने का, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फरिश्ते को बुलाएंगे, बराबर है, उस फरिश्ते का नाम जो होगा अंकुश, वाह तो ये जो है ये एंजल आपके सामने है, बराबर, तो ये एंजल जो है ये आएगा और इसका जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिशनर, क्या करेगा ये, इसको कौन बोलते हैं अपन, दिस गाय इज व्हाट, प्रैक्टिशनर, फील कर रहे हो आप लोग, इसको प्रैक्टिशनर बोलेंगे सर। और फिर क्या होगा ना, ये प्रैक्टिशनर बोलेगा इंटेंडेड यूजर्स को चिल, रिलैक्स करो, चिल एकदम आराम से, तुमको वो मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है उस पर भरोसा नहीं आ रहा तुमको, तो वो प्रैक्टिशनर क्या बोलता है, अब मैं आ गया हूं ना, डोंट वरी मैं हूं ना, तो अब वो क्या करेगा, अब आप बताइए प्रैक्टिशनर जो कि आप हो, आपको पता ना आपके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट की आत्मा है अभी, तो आप बताएंगे अब वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर वो क्या करेगा, आप बताओ, प्रैक्टिशनर नहीं नहीं ऑडिट नहीं बोलने का, क्या करोगे, आपका काम क्या होगा, आपका काम क्या होगा, आप करोगे तो क्या करोगे, चेकिंग करेंगे आप लोग, चेकिंग करेंगे आप लोग, क्या चेक करोगे, सोच समझ के जवाब दीजिए, चेक क्या करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे मतलब क्या करोगे, सामने स्क्रीन पे आंसर है, सामने स्क्रीन पे आंसर है, और मैं क्या बोला, मैंने डे वन पे क्या, अभी आज डे वन है, आपको क्या बोला था मैंने, क्या बोला था, आपको आपका जजमेंट लगाते जाना है, आपको बोलते जाना है, तभी जाके थ्योरी क्लासेस है ना आपकी इंटरेस्टिंग बनेगी, नहीं तो मोनोटोनस होगा। मैं आप बोलोगे यार ये अकेला बोलते ही जा रहा, बोलते ही जा रहा, एक तरफा प्यार कभी सक्सेसफुल नहीं होता, समझो बात को, तो इसमें कम्युनिकेशन जो है अपना टू वे होना बहुत जरूरी है, सो बोलते रहना बहुत जरूरी है।
सो आप बताएंगे कि यहां पे ये जो प्रैक्टिशनर है ये क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा, चेक करेगा, आप बहुत सारे उसके सिनोनिम्स बोल सकते हो सर, एग्जामाइन करेगा, एनालाइज करेगा, रिव्यू करेगा, वेरीफाई करेगा, स्क्रूटिनी करेगा, आप बहुत सारे सिनोनिम्स इसके यूज कर सकते हो, बट एक्चुअली वो क्या देखने वाला है, सब्जेक्ट मैटर। बट सब्जेक्ट मैटर देखेगा तो मतलब उसमें एग्जैक्टली करना क्या है उसको, तो ध्यान, हाँ कौन बोला इधर, बहुत बढ़िया, तो उसको देखना है कि ये जो सब्जेक्ट मैटर जो बना ना मालिक, वो उस एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से बराबर बना या नहीं बना, समझा गया? Yes, sir. तो जब वो आएगा चेक करेगा कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या वर्ड यूज किया सर ने, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस फ्रेमवर्क में रिपोर्ट होते हैं उस फ्रेमवर्क को बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, ढांचा मतलब स्ट्रक्चर, तो जिस स्ट्रक्चर, जिस फॉर्मेट, जिस ढांचे में आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करना है, क्या उसके हिसाब से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने या नहीं बने, उसको चेक करना है। आपको समझ में आई बात, आपको पक्का पक्का यहां तक क्लियर है एकदम? तो वो आएगा चेक करेगा कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस क्राइटेरिया के हिसाब से बना या नहीं बना, उसके बाद अपनी एक रिटर्न रिपोर्ट बनाएगा, और वो रिटर्न रिपोर्ट देगा किसे, इंटेंडेड यूजर्स को। अब क्या होगा, आप ध्यान से देखना, इधर इधर फोकस करना, अब हो मेरे साथ? Yes, आपको दिखेगा यहां पे, थोड़ा ध्यान से फोकस करना एकदम, आहा क्या मजा आएगा देखो। अभी सबसे पहले आपको इधर जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है आपको, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, थोड़ा फोकस करना, आपको क्या दिखा पहले, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, सही बोलो, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना, सच्ची में। अभी पहले इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है, अब फिर हम लोग आगे देखेंगे व्हाट इज फॉलोइंग, आगे जाएंगे, आगे 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 जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं आगे आगे, उसके बाद टन टड टड टड, ओ यस, क्या दिखा आपको, बैलेंस शीट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद कैश फ्लो, उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है, आप सबने पढ़ा होगा, सही है ना? बट उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पहले क्या था, तो पहले वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपना डिसीजन लेने के पहले हम लोग क्या चिपकाएंगे ऊपर, ऑडिट रिपोर्ट, जो रिटर्न रिपोर्ट एक प्रैक्टिशनर ने दिया है, वो एक यूजर, आप और हम जैसे जो लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बराबर, जो अपनी मेहनत की जो कमाई है उस कंपनी में हम लोग लगाना चाहते हैं पैसा, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, भैया उस ऑडिटर ने एग्जामाइन किया है, उसने चेक किया है, वो क्या कह रहा है, सब बराबर है या नहीं है, अगर सब बराबर है तो फिर हम लोग आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के छोटे छोटे चीजें कि भाई चलो बैलेंस शीट में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, कितना प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है, वो सब बराबर है कि नहीं, झूठ झूठ तो नहीं बोल रहे ना, फिर हम लोग वो परफॉर्मेंस देख के अपने हिसाब से एनालाइज करके इवेल्युएट करके अपना डिसीजन लेके जो भी अपने को डिसीजन लेना है वो, समझ में आया आप सबको? तो ऐसे केस में आपका अश्योरेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो हमने ये जो सर्विस परफॉर्म करी वो कौन सी करी, अश्योरेंस सर्विसेज करी, समझ में आया आपको? पहले इतना बॉडी के अंदर गया, यस सर। अभी क्या होता है ना, आप समझने की कोशिश करना, जब ये अश्योरेंस वाला काम जो हम लोग को करना है, जब ये अश्योरेंस वाला काम जो हम लोग को करना है, अभी ध्यान से सुनना, इसके अंदर अश्योरेंस जो है ना दो टाइप के, मतलब ऐसा एक्चुअली, हाँ मतलब तीन टाइप के होते, चार टाइप के हो सकते हैं, बराबर, चार टाइप के अश्योरेंस हो सकते हैं, जिसमें बेसिकली एक जो अश्योरेंस जो हम लोग देंगे वो पॉसिबल नहीं होगा, वो बोलते हैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस। क्या बोला सर ने, क्या बोला सर ने, क्या लगता है आपको एब्सोल्यूट मतलब 100%, तेरा भाई गारंटी दे रहा है ये जो है ना एक रुपए की इसके अंदर गलती नहीं है, अगर गलती हो गई तो मेरा नाम बदल देना, ऐसा पॉसिबल है क्या भाई? हम भी इंसान है ना, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है ना, अगर हम लोग लिख देंगे बराबर कि इन आर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड करेक्ट व्यू, क्या बोला सर ने, ट्रू एंड करेक्ट, 100% करेक्ट, एवरीथिंग इज राइट,
एक रुपए की गलती नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। तू ले तेरा डिसीजन यूजर। कल चल के अगर मान लो मैनेजमेंट को एक रुपए की भी अगर गलती मिली ना, सू करेगा वो, केस केस करेगा, मतलब ऐसा समझा गया बात को? वो क्या करेगा, वो सू मतलब केस करेगा वो आपके ऊपर। क्या कि तुमने तुम्हारी प्रोफेशनल ड्यूटीज, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमने बराबर से नहीं निभाई है, आप लापरवाह हो। फिर देखा आपने लापरवाही का नतीजा, महंगे में पड़ सकता है ना। समझ में आया आप सबको? तो इसीलिए जो एक टाइप का जो अश्योरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं मालिक, वो कौन सा? एब्सोल्यूट अश्योरेंस, वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया आपको? यस सर। बट फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं अपन? तो सर अगर हम लोग अश्योरेंस अगर अपने को देना है, तो अब यहां पे थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। एक जो अश्योरेंस एंगेजमेंट जो हम लोग देंगे, आप समझिए, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड एक हम लोग बात करेंगे अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बात ध्यान से सुनना, क्योंकि हम लोग जब इस पूरे सिलेबस में जो हम लोग वर्ड्स यूज करेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में। क्योंकि अपना जो डोमेन है, अपना जो काम करने का जो एरिया है, जो स्कोप है मालिक, वो बहुत बड़ा है। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ ऑडिट तक अपनी जिंदगी सीमित नहीं है, तो हम लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं। तो इसमें अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम लोग आज जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट में एग्जैक्टली क्या रोल है मेरा, मैं क्या पढ़ रहा हूं। जब वो आइडिया क्लियर होगी तो आपका फोकस क्लियर होगा कि हम लोग इसी डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। समझ में आया आपको? सो एक होता है हम लोग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी बच्चों दो बातें होगी। क्या बात कर रहे हो? सही में आप ध्यान से सुनना। एक हम लोग बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दो टाइप के हैं बच्चा। एक जो आपने सुना होगा, समझा होगा कभी अपने जिंदगी में, बात करते हैं अबाउट व्हाट? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कभी सुना है आपने ये वर्ड? नहीं बोल दो हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। उसमें झूठ क्या बोलना है, उसमें सच क्या है? जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सुना है आपने? मैं समझाता हूं आपको, कोई बात नहीं ना, उसमें क्या? तो हम लोग जो काम करते हैं वो एक किसके ऊपर है? एक काम क्या हुआ, अश्योरेंस एंगेजमेंट देने का है, किसके ऊपर? ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी एक क्या बच्चा है उसका? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते कब है बताओ? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31st March 2024, ये फाइनेंशियल ईयर हुआ ना, इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये बनता कब है भाई? ये बनता कब है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद या उसके शुरुआत में? नहीं नहीं सच्ची बताने का मतलब 23-24 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 23 के में स्टार्ट में बनेंगे या 20 मार्च 24 होने के बाद बनेंगे? बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? यस सर। तो हम लोग जब आज, अगर हम लोग मान लो आज 1 अप्रैल है, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को बैठा हूं, कौन सा प्रीवियस ईयर है? टैक्स पढ़ के आए ना, PYAY समझते हो ना, तो बोलो कौन सा प्रीवियस ईयर होगा? 23-24, और हम लोग वो बना रहे हैं इन दी असेसमेंट ईयर 24-25। क्या बात है, समझ में आया? तो भाई मैं जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, बराबर जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजीशन जो मैं बता रहा हूं, ये कौन सी चीज का बता रहा हूं भाई? जो चीजें होने वाली है या जो चीजें हो गई है? हाँ, तो जो हो गई है उसको क्या बोलेंगे भाई? हिस्ट्री। हिस्ट्री है ना वो, तो जो हो गया है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, इसीलिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं एज व्हाट? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या नॉलेज में? ऐसा बोलना नहीं, चल चल मालूम है। आगे का मत बोलना बस, ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा, वैल्यू एडिशन हो रहा है ना आपका?
तो भाई ऐसी बात है, इसको बोलते हैं अपन क्या, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आर वी गुड, आर वी गुड, यस एवरीबॉडी, परफेक्ट है, परफेक्ट है एकदम। तो ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। अब एक क्या होता है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होते हैं, आप समझिए। अभी क्या होता है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिक चीजें समझो। अभी कभी कभी क्या होता है, अभी हिस्टोरिकल समझ में आ गया ना, कि जो पास्ट में हो गया उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल, बट कभी कभी हम लोग को प्रोस्पेक्टिव, हिस्टोरिकल पीछे, प्रोस्पेक्टिव हिस्टोरिकल, प्रोस्पेक्टिव हिस्टोरिकल, प्रोस्पेक्टिव, क्या ऐसा बनेगा क्या, प्रोस्पेक्टिव भी बना सकते क्या? समझिए बात को, एकदम सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल। मेरे को बैंक से लोन चाहिए, मेरे को बैंक से लोन चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, बैंक पूछ रहा है काय को पैसा चाहिए तेरे को। मैं बोल रहा हूँ देखो, मैं ऑलरेडी जो है ना ये रिसोर्ट्स और वगैरह ऐसा जो है ना मेरा बिजनेस है, तो मैं जो है ना एक कोई नया अपकमिंग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पे मेरे को लग रहा है कि काफी पोटेंशियल है, तो मैं वहां पे एक रिसोर्ट चालू करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा बैंक फाइनेंस चाहिए। बराबर है, बोलो कुछ तो भी। यस सर, तो मुझे बैंक फाइनेंस ऑप्टेन करना है। तो ऐसे केस में बैंक बोलता है कि बट तुम्हारा ये जो प्रोजेक्ट तुम स्टार्ट करने जो जा रहे हो वो फिजेबल है क्या? फिजेबल मतलब वो मनी मेकिंग है क्या, पैसा बनाएगा क्या वो प्रोजेक्ट? बोल रहा हूँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनाएगा पैसा। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? मैं बोलता हूँ देखो मेरे कुछ अजम्पशंस है, मेरे कुछ एक्सपीरियंस है मेरा, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बैंक बोलता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ये सब है ना बता मेरे को लिख के, फाइनेंशियल रेशियोज बना, अभी एफएम में पढ़ोगे आप ये मजा आएगा आप लोगों को, मेरे को रेशियोज बना के बता मेरे को कैसे कैसे ग्रोथ होगा अगले 5 साल में, तुम्हारा बिजनेस कैसा होगा क्या होगा ये मेरे को जरा तू है ना ऑन पेपर बता मेरे को, बेस्ड ऑन पास्ट मेरे को थोड़ा ट्रेंड जो है वो प्रोजेक्ट बना के बता। इसको बोलते हैं अपन क्या, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। क्या बोलते हैं इसको अपन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। समझ में आया आपको? या तो आप लोग को टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आपको अप्लाई करना था, दर्द हो गया बहुत, नहीं मिला, कोई बात नहीं। बराबर, तो आप समझिए बात को कि अगर आपको मान लो टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में पैसा लगाना है, तो आपने उसका प्रोस्पेक्टस, ऐसा कुछ आपने लॉ में भी पढ़ा होगा, प्रोस्पेक्टस नाम की कोई चीज होती है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस, अब्रीज्ड फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऐसा हाँ शेल्फ प्रोस्पेक्टस, अलग अलग प्रोस्पेक्टस के अलग अलग यूजेस होते हैं। बट उस प्रोस्पेक्टस में भी क्या होता है, प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है, आप प्रोस्पेक्ट बताते हो कि अगर हम आपसे पैसा लेंगे तो हम ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाएंगे, और इसमें हम आपको सारी जानकारी बताते हैं। उसमें आपने सुना होगा ना प्रोस्पेक्टस, जब आप लॉ में पढ़ रहे थे तो नो इन्फॉर्मेशन शुड बी फॉल्स एंड नो इन्फॉर्मेशन शुड बी ओमिटेड, ऐसा पढ़ा था। मतलब ही मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सिंपल भाषा में, उसमें ना कुछ छूटा ना कुछ झूठा, समझा गया क्या बोला? उसमें प्रोस्पेक्टस बनाते समय पे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए और कुछ भी झूठा नहीं डालना चाहिए, और उसमें आप प्रोफोर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो कि फ्यूचरिस्टिक क्या होगा करके। तो इसको जो बोलते हैं वो कौन से हो गए, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझा गया बात को? सो ये हो गया अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये अदर देन, सॉरी इसको क्या बोलेंगे अपन, अदर देन बोलने से अच्छा मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, अपन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं इसको, बोलो हाँ या ना? तो या तो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ सही है, हिस्टोरिकल वर्ड ऐड कर दिया। अब अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर बात करूं, तो अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब हम लोग को क्लाइंट को अश्योरेंस और चीजों पर देना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स कैसे है वो भी तो चेक करके हम लोग भरोसा दिला सकते हैं ना, नहीं समझे? समझाता हूं मैं आपको, अब ध्यान से सुनना। एसपीसी, आप लोग एडमिशन लेते हो, मैकेनिज्म समझना पहले। आप एसपीसी के पोर्टल पे गए, वहां पे आपने लॉगिन किया, नेसेसरी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट किया, आपने पेमेंट किया, आपको रिसीट मिल गया। पेमेंट जब आया तो ये पेमेंट एसपीसी के अकाउंट में गया, और अगर मान लो आपने मेरा प्रोडक्ट खरीदा है तो वो उतना मेरा जो शेयर है वो मेरे अकाउंट में गया।
क्या हो गया, ये स्प्लिट हो गया ना पेमेंट। ये पेमेंट स्प्लिट करने के लिए एक एजेंसी है बीच में जिसको अपन बोलते हैं पेमेंट गेटवे। क्या बोलते हैं? पेमेंट गेटवे। अब एसपीसी मान लो एक ईज बस जैसा एक पेमेंट गेटवे है उसको इस्तेमाल करता है और पेमेंट गेटवे पे आपका पैसा आता है। हमने एसपीसी ने बोला है कि अगर हर्षद सर का प्रोडक्ट आएगा तो एसपीसी के अकाउंट में इतना पैसा डालने का, हर्षद सर के अकाउंट में इतना पैसा डालने का, वो पेमेंट को स्प्लिट करके अगले दिन उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स पे पैसा जमा होना चाहिए। समझ में आया? अभी आप सोचिए, मैं एसपीसी हूं ना, मेरे को टेंशन है, मेरे को चिंता हो रही है। किस बात की? साला ये जो पेमेंट गेटवे है इसके कंट्रोल्स बराबर से चल रहे कि नहीं चल रहे, क्योंकि अगर उस दर कुछ गफला हो गया तो मेरा पैसा तो जाएगा ना भाई। बच्चा तो क्या बोलेगा, सर मैंने पेमेंट किया है, मेरा ये रिसीट है, मेरे को मेरा प्रोडक्ट चाहिए। टेंशन किसको है? मेरे को, एसपीसी को। समझा गया बात को? प्रॉब्लम समझा गया क्या हुआ? तो अब मेरे को क्या भरोसा चाहिए, मेरे को क्या भरोसा चाहिए कि वो पेमेंट गेटवे के कंट्रोल जो है वो बराबर है या नहीं है? अब ये कंट्रोल्स बताइए मुझे, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या भाई? नहीं है ना। अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये पेमेंट गेटवे जो है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसको, और उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अपने को देखना है। समझ में आया? इसको बोलते हैं अदर देन फाइनेंशियल। ऐसे बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं, ठीक है, बोलो हाय अनम। और फिर ये अश्योरेंस में आपको समझा, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोलो हाय अनम। नॉन अश्योरेंस मतलब आप समझिए, हम लोग काम करके देंगे, हम लोग काम करके देंगे, बट भाई सुनना, इसके अंदर हम लोग कोई आपको भरोसा नहीं दिला रहे। बस मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, वो सर्विस मेरे को प्रोवाइड करनी है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन का क्या करना है, कंपाइलेशन करना है, या मुझे क्या करना है, अकाउंटिंग करने का है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स परफॉर्म करने रे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग किया भाई, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके दिया, बताओ इसका मतलब क्या कॉन्फिडेंस बहुत आएगा क्या? नहीं। अरे मैं भी तो भले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, एरर ऑफ ओमिशन कमीशन प्रिंसिपल तो मेरे से भी हो सकती है ना, हो सकती है ना भाई। तो उसमें मैं कहीं कुछ भरोसा नहीं दिला रहा हूं, मैं बस क्या हूं, उस फील्ड का एक्सपर्ट हूं, उस फील्ड की जानकारी रखता हूं, इसीलिए मैं वो काम कर रहा हूं। मैं उसमें मैं कहीं अपनी राय या अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूं कि मैंने किया इसके लिए बराबर है। समझा गया? तो आपको पहले जो हम लोग ये यहां पे इतनी जो बातें कर रहे हैं, हम लोग मिले जब से, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अपना जो स्कोप है वो क्या क्या है। एक तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम करना है, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम करना है। एक हम लोग अश्योरेंस वाला काम करते हैं, एक हम लोग नॉन अश्योरेंस वाला काम करते हैं। समझ में आया आपको? क्लियर है एकदम बात? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? समझ में आया यहां तक? अभी फोकस करना, ध्यान से सुनना। जब हम लोग, क्या हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ? हाँ, यस। अभी ध्यान से सुनना एवरीबॉडी, जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम करते हैं, बहुत बहुत गहरा काम है, इसमें दो टाइप का अश्योरेंस देते हैं। अश्योरेंस है और वो कौन सा? दो टाइप का अश्योरेंस। वो कौन सा है आप समझिए, इसको हम लोग एक कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, एक है रीजनेबल अश्योरेंस, और एक जो हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, लिमिटेड अश्योरेंस। हिम्मत मत हारना, क्लाइमैक्स आ रहा है पिक्चर का अभी। हाँ, ये पूरा जो आप समझे क्या, ये पूरा जो है ना अपना डोमेन है, फिर आपको मैं पिन पॉइंट करके बताऊंगा कि हम लोग कहां है, क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सो अभी हम लोग दो टाइप के अश्योरेंस पे, एक रीजनेबल अश्योरेंस और एक एब्सोल्यूट अश्योरेंस, तो खत्म ही हो गया। नो अश्योरेंस वाला काम तो ये रहा। समझा क्या बात को? मतलब चार अश्योरेंस की बात हो गई ना, कौन सा बोलो? एब्सोल्यूट, जो पॉसिबल फिर उससे थोड़ा नीचे रीजनेबल, उससे थोड़ा नीचे लिमिटेड, उससे एकदम नीचे नो अश्योरेंस। समझा क्या? चार टाइप के अश्योरेंस। ये एमसीक्यू में ऐसा चार अश्योरेंस कौन से वो पता होना बहुत जरूरी है सर। समझा क्या बात को? अभी बात करते हैं रीजनेबल। बच्चों रीजनेबल इस वर्ड का मतलब क्या है, जरा आप कुछ बता सकते हैं यार? रीजनेबल
एब्सोल्यूट मतलब 100% बोला, रीजनेबल मतलब, कोई हाथ ऊपर करके बोलो ऐसा, थोड़ा देखो इन्वॉल्व रहना डिस्कशन में, नहीं तो क्या मजा नहीं फिर कुछ। अब बताओ मुझे रीजनेबल का मतलब क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना बहुत सी बार, हाँ रीजनेबल है यार, इट्स ओके यार, इट्स रीजनेबल, इट्स ओके रीजनेबल, क्या बोलते हैं रीजनेबल मतलब? हाँ तौफीक, ठीक ठाक, ओके, बेस्ड ऑन माय स्किल्स नॉलेज, कॉमन सेंस के ऊपर नहीं। एक काम करते, चलो एक काम करते, इंग्लिश मीडियम से कौन कौन पढ़ा हाथ ऊपर करे। हाँ बता बेटा, 100% नहीं है, बट फिर क्या है, थोड़ा नीचे, मतलब कितना नीचे? अरे घिनौने आदमी, मैनेजेबल है। हाँ दर्शन, क्या हाँ मतलब क्या है, अरे कहना क्या चाहते हो भाई? लाइव स्ट्रीमिंग में, लाइव स्ट्रीमिंग में बोल रहा है जस्टिफाइबल, नॉट 100% बट 99.5%, इज इट नेसेसरली 99.5%? देखो अभी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलोगे, मैं मटेरियल क्या होता है वो पूछेगा, और फिर बहुत मैं अभी अपन एकदम ऐसा लेमन टर्म्स, कॉमन मैन एकदम, अभी भारी भारी वर्ड्स बाद में ऐड करेंगे अपन। हाँ बेस्ट, तो ओपिनियन तो भाई मेरे नॉलेज पे देगा ना यार, चाहे वो रीजनेबल हो या लिमिटेड हो, मेरा ही नॉलेज पे होगा ना। हाँ बोलना बेटा, हाँ हाँ, तो वी हैव इनफ रीजंस टू गिव लिमिटेड अश्योरेंस आल्सो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल एंड लिमिटेड? हाँ हाँ, तालियां बजाओ बच्चे के लिए। क्या बोला उसने, मैं समझाता हूं आपको, क्या बोला उसने मैं समझाता हूं आपको, रेडी है क्या आप लोग? दीदी ने बहुत भारी बोला, उसने बोला कि सर उसमें गलतियां हो सकती है, टेढ़ा है बट मेरा है, कुरकुरे, आप समझिए, उसमें गलतियां हो सकती है बट वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं है कि जिससे मेरे डिसीजंस अफेक्ट हो सकते हैं। अपन बोलते ना चले बले, अपन बोलते ना अरे भाई भाई चले बले रे, 100% मतलब मेरे को एकदम फिट एंड फाइन परफेक्ट होना चाहिए, समझा गया बात को? तो यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए, जब हम लोग रीजनेबल की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग, एवरीबॉडी, रीजनेबल अश्योरेंस देने वाली एंगेजमेंट जो होती है, जो काम जो अपना होता है, उसमें हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर गलतियां है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलतियां हो सकती है, समझा बात को? बट वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं होगी कि जिसके वजह से यूजर्स के जो डिसीजन है वो अफेक्ट हो सके, समझ में आया आपको? देर विल बी सम मिस्टेक्स, देर विल बी सम मिसस्टेटमेंट्स, देर विल बी सम एरर्स और फ्रॉड्स, इट्स ओके बिकॉज दोज मिसस्टेटमेंट्स आर नॉट सो बिग टू अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द यूजर। मतलब अगर वो गलती एकदम भारी भरकम है ना भाई, तो उस वजह से क्या हो सकता है, आपके डिसीजन जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं, तो उस समय पर हम लोग कहेंगे नो इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट फेयर, वो सही नहीं है। ऐसे अश्योरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस। अब रीजनेबल अश्योरेंस क्या है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है, 100% नहीं है, बट एक हायर लेवल ऑफ अश्योरेंस है, एक हाई लेवल का अश्योरेंस है, जिसमें क्या होता है मालूम है क्या, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, ही इज लाइक अ वॉच डॉग। कौन है वो? वॉच डॉग, ही इज अ वॉच डॉग, मतलब वो क्या करता है, ऐसे कंटिन्यूअसली अलर्ट रहता है, निगरानी रखता है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है, वो जा जाके देखेगा कि भाई एक एक जो आइटम है ना, सेल्स, परचेस, इनकम, जो भी सारे एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट के आइटम्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, जो भी सब कुछ है ना, इन्वेस्टमेंट्स, कैश, बैंक बैलेंस, वो जाके देखेगा कि वो सब बराबर से है या नहीं है, उसमें कहीं पे भी कुछ गलतियां नहीं है ना। वो ओपनिंग बैलेंस चेक करेगा कि लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग है वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है या नहीं है, फिर बराबर से स्टॉक के जो वैल्यूएशन है AS2 का प्रिंसिपल फॉलो किया या नहीं किया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल फॉलो किया कि नहीं किया, इन्वेस्टमेंट्स के बराबर से वैल्यूएशन किया कि नहीं किया, बोरोइंग कॉस्ट बराबर से, एक एक आइटम को वो क्या करेगा,
डिटेल में जहां जाके चेक करेगा और सबूत ऑब्टेन करेगा, सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करेगा कि उसके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए कि ये जो भी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गई है वो बराबर है या नहीं। जा जाके देखेगा वो, चेक करेगा वो, और फिर उसके बाद पूरा सब चेक करने के बाद वो बोलता है ओके, जितना मैंने जाना समझा और मैंने चेक किया उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि देखिए इसके अंदर गलतियां हो सकती है। बट देखा गलती का नतीजा, देखा ना, मैंने कहा था थ्योरी है ना, तो देखो थ्योरी में फ्लो में मैं भी बहुत कुछ बोलता हूं अभी, हाँ मतलब होता है वो, मतलब अभी कॉस्टिंग जैसा नहीं रहा। अभी कैसा होता है ना वो, इफ यू से समथिंग ऑलवेज बी रेडी टू टेक समथिंग बैक, समझा गया एकदम ऐसा। हाँ सो हम लोग कहाँ थे, गलती का नतीजा। तो हम लोग ये कह रहे थे कि उसके अंदर गलतियां हो सकती है, बट वो क्या बोल रहे हैं कि भाई मैंने जितना जाना समझा, मैंने ऑडिट किया, उसके हिसाब से मैं ये कह रहा हूं कि उसमें इतनी गलतियां नहीं होगी बराबर जितनी आप सोच रहे हो, और जिससे आपकी डिसीजंस को अफेक्ट हो सकता है। ऐसे अश्योरेंस को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस। आर वी गुड नाउ? और अब ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, एक गहरी सांस लो, छोड़ो, और एक बार छोड़ो। अब ध्यान से सुनना, जब हम लोग अश्योरेंस वाला एंगेजमेंट परफॉर्म करते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होता है, और उस पे हमने दुखा के बेटा जो हमने एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम करते हैं, जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और उसके ऊपर अगर हम लोग रीजनेबल अश्योरेंस हम लोग अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे एंगेजमेंट्स को, वर्ड क्या यूज किया सर ने, ऐसे एंगेजमेंट्स को, एंगेजमेंट मतलब समझते हो, एंगेजमेंट मतलब वर्क, एंगेजमेंट मतलब हम लोग प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम लोग वो वर्ड क्या यूज करते हैं, एंगेजमेंट, क्या बोलते हैं उसको अपन, एंगेजमेंट। तो उस एंगेजमेंट को देवी और सज्जनों नाम दिया जाता है एज व्हाट, ऑडिट, समझा गया बात को, इसको बोलते हैं हम लोग ऑडिट। बाकी सबको नहीं है, मतलब आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, जब हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट जो हम लोग कह रहे हैं हम लोग ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा पूरा ध्यान में रहना चाहिए कि हम लोग कहां क्या पढ़ रहे हैं। जब अभी हम लोग कोई भी बात करेंगे ऑडिट की, जब बात करेंगे, और जब ऑडिट परफॉर्म होता है, तो इधर जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, एंगेजमेंट कौन सी कहलाएंगे, ऑडिट, और वो एंगेजमेंट को कैरी आउट करने के लिए जाहिर सी बात है आपको स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करे जाएंगे। तो उस स्टैंडर्ड्स को हम लोग बोलते हैं एज व्हाट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एसे, समझा गया बात को, क्या बोलेंगे उसको, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो आप जब है ना ध्यान में रखना, किसी भी चीज के लिए ऑडिट ये वर्ड यूज मत करना, समझा गया बात को। ऑडिट मतलब किधर होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जहां हम लोग रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हैं, तो ऐसे काम को हम लोग बोलेंगे ऑडिट, और फिर जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको हम लोग बोलेंगे ऑडिटर, नहीं तो तब तक वो प्रैक्टिशनर रहेगा, समझा गया। ऐसा अपन किसी को भी ऐसा ऑडिटर नहीं बोलेंगे, नहीं तो हम लोग कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम लोग कहलाते हैं एज व्हाट, ऐसा नहीं है। ऑडिटर वो व्यक्ति होता है जो ऑडिट करता है। तो ऑडिट किस पे होता है ये समझ में आया आप सबको, पक्की बात है एकदम, यस सर। अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग
लिमिटेड अश्योरेंस की बात कर रहे हैं अभी। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? लिमिटेड अश्योरेंस की बात कर रहे हैं। अभी लिमिटेड अश्योरेंस की बात करें तो ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ध्यान से सुनना, बट इसके अंदर जो होता है ना, हम लोग लिमिटेड अश्योरेंस मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैं आपको ध्यान से सुनना, अभी जैसे जो है ना, ये कुछ एक मेरे पास डेटा है, ये आपको दिख रहा है, ये जो ये मेरा सेल है ये। अब कोई बात नहीं, नहीं दिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है, सुनो तो सही बात को, थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं, जो मैं मुझे जिसकी जरूरत पड़ती है और क्या काम होता है आपको समझेगा। अभी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मेरे सेल्स की बात हो रही है, मतलब आपको आज बता रहा हूं कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है? कभी अपन बोले नहीं इस बात को, बट आप ध्यान से सुनना क्योंकि ये रियल लाइफ में दिखाना बहुत जरूरी है। सो ये जो है ना, मेरे ये ऑर्डर्स है एंड ये हम लोग देखते जा रहे हैं, ऑर्डर्स है ये ऑर्डर्स हम लोग देखते जा रहे हैं। ये पिछले जो अभी ग्रुप टू के एडमिशन हुए फेस टू फेस या लाइव स्ट्रीमिंग, बराबर, पब्लिक सिर्फ बोलता है हमारे इतने इतने एडमिशन है। मैं आपको रियल लाइफ में बता रहा हूँ कि ये जो है, ये पोर्टल पे ये आपको दिख रहा है, ये एडमिशन है, ये एडमिशन है। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो इसके अंदर, है ना, ये 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 रिपोर्ट है, ये अपन सिर्फ कदम हो गया। सो आप समझिए अभी क्या हुआ ना इसके अंदर, आप समझिए बात को, ये इतने सारे ऑर्डर्स है ये पिछले 2 महीने के अंदर, जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग के, फेस टू फेस के, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, जो प्रोडक्ट सेल हुआ है ऑडिट का, उसका ये यहाँ पे डेटा है। ध्यान से सुनना, तो अब क्या हुआ, अब मेरे को जो है ना, एक जैसे मेरा और एसपीसी का एक अग्रीड शेयर है, ठीक है, कि इतना कुछ परसेंट जो एसपीसी को जाएगा, इतना कुछ परसेंट ये मेरे को आएगा। एंड जाहिर सी बात है, एसपीसी विल टेक बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद कंडक्टिंग द क्लास, करेक्ट है? तो उसमें का कुछ शेयर स्वप्निल सर को जाएगा, कुछ शेयर मेरे को आएगा। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अब मेरे को जो है ना, एक ऐसा चिंता सताई जा रही है। अब थोड़ा प्रैक्टिकली आप ये समझिए बात को, फील करो कि मेरे को एक ऐसी चिंता सताई जा रही है कि जितने मेरे एडमिशंस जो दिख रहे हैं इस पोर्टल पे, सही में सारे एडमिशंस इंक्लूड हुए या नहीं हुए, नंबर वन। नंबर टू, चलो एडमिशंस अगर सारे इंक्लूड हो चुके हैं तो जो मेरा अग्रीड शेयर है उसके हिसाब से बराबर से पैसा आया कि नहीं आया? देखो, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग शेयर है, फेस टू फेस का अलग शेयर है, लाइव स्ट्रीमिंग का अलग शेयर है, जीडीपीडी का अलग शेयर है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है उसके हिसाब से अग्रीड शेयर जो है वो मुझे मिलना चाहिए, और वो सब कंबाइन होके फिर क्या हो जाएगा, मेरा सेल्स दिखेगा, बराबर है कि नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? अभी क्या हो रहा है, मेरे को अभी जो है ना, मेरा जो ऑडिटर जब काम करेगा ना, तो वो जाके अंदर डिटेल में देखेगा एक एक रिसीट बुक के साथ, मतलब स्टॉक काउंट कितना था, कितने बुक्स कम हुए, उसके हिसाब से एडमिशंस मैच हुए कि नहीं, ये जब ऑडिट करेगा ना, तो मैंने क्या कहा, वो जाके एकदम डिटेल में क्या करेगा, वो चेक करेगा कि सब बराबर से है या नहीं है। समझा क्या बात को? बट अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को अभी है ना, ये 2 महीने का मेरे को जीएसटी भरने का है। पूजा मैंने बताया ना आपको, सुबह सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है ये, तो मेरे को इसके ऊपर पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने जीएसटी तो पे किया है ना। नाउ योर जीएसटी आई हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, बिकॉज दैट इज माय लायबिलिटी व्हिच आई एम पेइंग टू गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ यू, दैट इज नॉट माय मनी। ये हमने सुबह के लेक्चर में हमने सीखा, ये बराबर है कि नहीं? अभी मेरे को बस है ना, क्या चाहिए मेरे को, ऐसा एकदम एब्सोल्यूट अश्योरेंस ऐसा कुछ चाहिए क्या अभी? नहीं, मेरे को क्या चाहिए, मैं मेरे सीए को बोल रहा हूँ, भाई ये सेल रिपोर्ट है, ये देख, बस एक बार देख लेना कि इसमें बराबर से अग्रीड शेयर आया कि नहीं आया, बराबर से एक बार तू नजर घुमा ले। क्या बोला उसको? नजर घुमा ले, ज्यादा डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं है, जब ऑडिट करना होगा तब देख लेंगे, अभी तो बस क्या कर ले, इसके ऊपर नजर घुमा ले। तो ये वो क्या करेगा, वो इस रिपोर्ट को गो थ्रू करेगा, वो देखेगा अच्छा फेस टू फेस का ये शेयर है, लाइव स्ट्रीमिंग का ये शेयर है, उसके हिसाब से आएगा क्या, मोटा मोटी वैसे ओवरऑल कैलकुलेशंस करके देखेगा, रेवेन्यू को मैच करेगा, और फिर रिवर्स कैलकुलेशन करके जीएसटी अमाउंट कलेक्टेड, पेड, क्रेडिट वगैरह, वो सब क्या करेगा, सिर्फ देखेगा ऐसा। अब मुझे बताओ, क्या वो ऐसा जाके देख रहा है क्या वो डिटेल में? नहीं, वो क्या कर रहा है, वो ऐसे देख रहे कि कुछ ऐसे सामने नजर आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब कैसा, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझेगा। आप जो है ना, आप मान लो
बड़े भाई हो या बहन हो आप, और आपके घर में आपका छोटा भाई बहन है, मम्मी बाहर जा रही है, मम्मी ने आपको बोला कि बेटा वो छोटा भाई बहन पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, एक बार तो उसके ऊपर ध्यान रखना, बराबर है? तो आप क्या करते हो, ध्यान से सुनना, मम्मी चली गई, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपका भाई बहन पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा, आप क्या करते हो, हर 5 मिनट में जाके दरवाजा खोल के, हाँ पढ़ रहा है, ओके, वापस 10 मिनट में गए, हाँ ओके पढ़ रहा है, अब बार बार जा जाके देख रहे हो कि सही में वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। मम्मी आई, मम्मी ने आपको पूछा बेटा वो पढ़ रहा था क्या, आपने बोला हाँ मम्मी मेरे हिसाब से वो पढ़ रहा था क्योंकि मैं बार बार जा जाके देख रहा था, ऐसा अश्योरेंस जब आप दोगे मम्मी को, क्या बोलोगे आप, रीजनेबल अश्योरेंस कि आपने जाके वहां पे देखा है करके, वो ऑडिट हुआ। अब क्या हुआ, आपको मम्मी ने बोला कि बेटा ध्यान रखना उसके ऊपर, मैंने कहा हाँ मम्मी, अभी क्या हुआ, आप आपके काम है, आप भी सीए कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपको टाइम नहीं है ऐसा बार बार देखने के लिए, बट मम्मी ने बोला है तो करना पड़ेगा आपको काम। तो अभी मान लो आप पढ़ाई कर रहे थे और आपको प्यास लगी तो आप किचन की तरफ जा रहे थे, उतने में आपने नजर घुमा ली, दिखा पढ़ रहा है, ठीक है बराबर, वापस से आपको थोड़ा बहुत भूख लगी, आप स्नैक्स के लिए किचन में गए, आपने देखा हाँ पढ़ रहा है, ठीक है, मम्मी ने आके पूछा आपसे बेटा क्या पढ़ रहा था क्या वो, तो आप क्या बोलोगे, मेरे हिसाब से तो वो पढ़ रहा था, ऐसे कुछ मेरे ध्यान में नहीं आया कि जिससे मैं कह सकूं कि वो पढ़ नहीं रहा था, मैं जाके नहीं देख रहा था, बट जब भी देखा जितना भी देखा कि मेरे नजर में वो क्या हुआ, पढ़ रहा था। अब मुझे बताओ जो भरोसा मम्मी को मिलेगा, हाँ कैसा समझ में आया आपको, भरोसा जो मम्मी को मिलेगा वो मम्मी को भरोसा कैसे मिलेगा, वो कब मिलेगा, बट अगर आप जाके देख रहे थे और फिर मम्मी को बोला हाँ मम्मी वो पढ़ रहा था, मम्मी को अच्छा खासा अश्योरेंस मिलेगा, बट मम्मी जब जब मैं गया था तब तब मैंने देखा कि वो पढ़ रहा था, ऐसा कुछ मेरे नजर में नहीं आया जिसके वजह से मैं ये कह सकता हूं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, समझ में आया आपको। तो ऐसा जब काम हम लोग परफॉर्म करते हैं ना दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए, इस एंगेजमेंट का नाम अलग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एज वॉट, रिव्यू करना, इसमें लिमिटेड अश्योरेंस देते हैं हम लोग, इस एंगेजमेंट को कहते हैं रिव्यू, समझा गया बात को। तो हर एक काम जो हम लोग करते हैं दोस्त वो ऑडिट नहीं होता, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही हम लोग काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो बराबर से बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो उस काम को हम लोग क्या नाम देंगे, रिव्यू नाम देंगे। आर वी गुड? तो इस समय पे जब जो स्टैंडर्ड्स लागू होंगे वो स्टैंडर्ड्स होंगे SRE, हर जगह ऐसे ऐसे नहीं होता, अभी यहां पे जो स्टैंडर्ड्स लगेंगे वो कौन से होंगे, SRE, व्हाट इज दिस, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, SA मतलब क्या, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, SRE मतलब स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ये हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, समझ में आया आपको। अब उसके बाद आप समझिए बात को, नेक्स्ट जब अपन बात करते हैं, ये समझ में आया आपको, बोलो हाँ या ना, तो ऐसे हो गया, SRE हो गया, बराबर है। फिर उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं अबाउट अदर देन फाइनेंशियल, क्या बोलते हैं उसको, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, सो आप समझिए, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल एंगेजमेंट्स की अगर अपन बात करें, सो अब जो है यहां पे एप्लीकेबल कौन से हो जाएंगे, यहां पे अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो यहां पे हम लोग अश्योरेंस तो दे ही रहे ना अपन, बोलो हाँ या ना। सो यहां पे हम लोग जो स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे वो स्टैंडर्ड्स कौन से होंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, कौन से यूज करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, मतलब ये जो यहां पे जो है ना, ये एक्चुअली हिस्टोरिकल के दो हो गए, अदर देन तो इधर ही आना चाहिए ये, ठीक है। सो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, क्या बोलेंगे, SAE, क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। एंड उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं नॉन अश्योरेंस की, इसमें कोई अपन अश्योरेंस दे रहे क्या, नहीं, तो इधर आते हैं SRS, क्या आते हैं इधर, व्हाट इज SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, समझ में आया आप सबको। सो अपन कौन से इस दुनिया में स्टैंडर्ड्स आए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट,
एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जिसमें कोई अश्योरेंस हम लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आया यहां तक आपको? अब जो हम लोग इस सिलेबस में पढ़ रहे हैं, अपना सब्जेक्ट कौन सा है? अपन किधर है? ऑडिट में। तो हम यहां से जितना भी जो आगे काम करने वाले हैं मालिक, वो कौन सा होगा? रीजनेबल अश्योरेंस। और एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स कौन से होंगे? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। समझा आपको? तो जब तक दूसरा कुछ आपको बोला ना जाए, जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको ऑडिट, ये समझा क्या है? करने वाला व्यक्ति कौन है? ऑडिटर। क्योंकि वो प्रैक्टिशनर अब बन जाएगा कौन? ऑडिटर। और अब उसके बाद मुझे ये बताओ, वो किस पे परफॉर्म करेंगे हम लोग? किस पे परफॉर्म करेंगे हम लोग? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अश्योरेंस कौन सा देंगे हम लोग? रीजनेबल अश्योरेंस। क्लियर है एकदम? इतना पार्ट अभी हम लोग क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ, सब करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस रीजनेबल अश्योरेंस को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, ठीक है? यस, ओके, चलो स्टार्ट राइटिंग। हाँ जी बेटे, क्या? हाँ मैं बोलता हूँ, अभी है नहीं कोई, बोलता हूँ, कर ले भाई, कोई बात नहीं। हाँ क्या ये ना, नया लिखो सब। Just move with it. Everybody in the party, just move with it. If you're feeling this vibe, throw your hands up. If you wanna get down, throw your hands up. One time, let me see you just move with it. Everybody in the party, just move with it. If you're feeling this vibe, throw your hands up. If you wanna get down, throw your hands up. What? We can be right by now this time. Say what? क्या हुआ? अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग कंपाइलेशन क्या रे चोरी? शेर साधन के था जीता
गया इतना? क्या हुआ, क्या करना है? First time I met you, you was always giving me the look like I should catch you. Everything you did, maybe even wanna sweat you. Shaking that thing every time you go by, make a brother wanna ooh, ah, baby, you're mine. Now I disbelieve that I made you my wife. Got myself in this strike, maybe I'm jacked for life. Character side effects, so I need special effects. If I gotta get the book. ये हो गया इतना? तेरे बिन सन सोने कोई हो नहीं लगना, जो दे रूह सकून चुके जो नखरा मेरा, तेरे बिन सन सोने कोई हो नहीं लगना, जो दे रूह सकून चुके जो नखरा मेरा। मैं सारे घूम के बैठिया अमरीका रूस मलेशिया, ना कितने भी कोई फर्क सी, हर किसी भी कोई शर्त सी, कोई मंगता मेरा सी समा, कोई होंदा सूरत ते पिता, कोई मंगता मेरी सी वफा, ना तू मंगता मेरिया बला तेरे बिन होर ना किसे मंगनी मेरिया बला, तेरे बिन होर ना किसे करनी धुप बिच छा, तेरे बिन सानू सोने कोई हो नहीं लगना, जो दे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। जिवें रुकिया सी तू सारा नहीं पलना मैं सारी उम्र, जिवें आखिया सी अखा चुरा रोवेंगा सानू याद कर, हसया सी मैं हासा अजीब पर तू नहीं सी हसया, दिल बिच तेरे जो राज सी मैनू तू क्यों नहीं दसया, तेरे बिन सानू यह राज किसे हो नहीं दसना, तेरे बिन पीड़ दा इलाज कैस कोलो लभना, तेरे बिन सन सोने कोई हो नहीं लगना, जो दे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। मिलिया सी अज मैनू तेरा एक पत्रा लिखिया सी, जिस ते तू शेर बारे शादा पढ़ के सी उसनू हंजू एक दुलिया, अखा च बंद सी ऐराज अज खुलिया कि तेरे बिन ऐ मेरे हंजू। चलो गाइस राइट फास्ट, बेशक मेरे यारा तू कर ले दोबारा, बस एक बार में ही भरे ना दिल बेचारा, संग रहने के शाम सवेरे करने हैं वादे बतेरे, है जिंदगानी अगर चार दिन की तो ले रहे ही के साथ फेरे, तुमने जवानी
guys done? Last 30 seconds, hurry up guys. Chalo. Bas, bas, beta. Okay. चलो सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं. उम्मीद कर रहा हूं कि भाई सुनना भाई. चलो रेडी गया एवरीवन? ओके चलो वेलकम बैक गाइस. सो हम लोग जो बात कर रहे थे इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में, तो फाइनली नाउ वी अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. समझ में आया आपको? यस सर. सो अपना पूरा जो डिस्कशन जो होगा, जब तक आपको बुलाना जाए, जब हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि हर कोई चीज जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है उसको ऑडिट नहीं कहते हैं. ऑडिट क्या होता है, ऑडिट किसे कहते हैं, क्या ये आपको अच्छे से समझ में आया क्या? एवरीबडी श्योर? एकदम 100%. यस सर. किसी को कुछ क्वेरी है क्या इसके ऊपर? ओके. अभी हम लोग जब बात करते हैं, अगले 10-15 मिनट हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, एंड देन वील हैव अ लंच ब्रेक. करेक्ट है? एंड देन वील मीट पोस्ट लंच टू मूव ऑन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. और फिर हम लोग जो क्या है इसका रीडिंग भी करेंगे हम लोग. हम लोग इसी के साथ जो है, अब ध्यान से सुनना, जैसे हम लोग का जो सेशन है, तो आप लोगों को बता दूं मैं कि पहले आपको बता ही देता हूं कि सेशन कैसे कंडक्ट होगा, क्या होगा. तो उसमें लॉस इन ट्रांजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो आप समझिए, फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ द डे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हार्ड कोर स्टडीज करने वाले हैं. मतलब जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो आपको बता दूं जो भी हमने अभी जो बातचीत करी, तो ये सब एक सिलेबस का पार्ट है ना सर. मतलब इसके ऊपर एमसीक्यूज वगैरह बनेंगे. तो आप समझिए, ये सब चीजें जो हम लोग पहले जो 2 घंटे जो अपने को मिलेंगे, तो हम लोग एकदम हार्डकोर पढ़ाई करेंगे, ठीक है? और फिर पोस्ट लंच जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ हमारा फर्स्ट हाफ में कुछ अगर कॉन्सेप्ट आधा अधूरा रहा है, तो कोशिश करेंगे कि सेकेंड हाफ में उसको कंप्लीट करेंगे. सेकेंड हाफ में अपने पास कितना घंटा है? 1 घंटा है सिर्फ. तो उसमें हम लोग क्या अचीव करेंगे कि हम लोग ट्राई करेंगे कि जो भी टॉपिक हम लोग ने डिस्कस किया है उसके जो समरी चार्ट्स है, नोट्स है, वो बनाए हम लोग. हम लोग जो क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर टॉपिक के, वो डिस्कस करें हम लोग. उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करें. उसके एमसीक्यूज कैसे बनेंगे वो हम लोग देखें. तो आज अगर हम लोग ने इतना टॉपिक इस 2 घंटे में पढ़ा, तो अगले 1 घंटे में नो डाउट हम लोग कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, आईसीएम मॉड्यूल के क्वेश्चन देखेंगे जो न्यू सिलेबस के हिसाब से बना है. तो क्या हो जाएगा कि आज जो हमने पढ़ा है उसका सब कुछ क्या हो जाएगा, आज के आज ही खत्म हो जाएगा. तो हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, समरी नोट्स, बराबर है? जो हम घर पे जाके इंडिपेंडेंटली बनाने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, उसको इधर ही बनाएंगे. जैसे जैसे अपना सिलेबस जो प्रोसीड करेगा, तो फर्स्ट 2 आवर्स में नो डाउट वापस से पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट जो आधा 1 घंटा जो मिलेगा उसमें 15-20 मिनट जो है पहले जितना भी पढ़ा था वो रिवाइज करेंगे. कभी कभी सेकेंड हाफ में भी हम लोग को बहुत पढ़ना पड़ सकता है, अगर टॉपिक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और मज़ा आ रहा है, तो वील कंटिन्यू विद दैट डिस्कशन. क्योंकि आप समझ सकते हो कि पोस्ट लंच वाला पीरियड जो है काफ़ी दर्दनाक होगा, और उसमें थ्योरी पढ़ना मतलब एक अलग अपने आप में चैलेंज है.
तो रेस्ट अश्योर्ड कि उतना पूरा मैं ध्यान रखूंगा कि यू योर एनर्जीज आर व्हाट अप ऑल द टाइम व्हेन आई एम कंडक्टिंग द क्लास फॉर ऑडिट. ठीक है, ओके. सो अभी दोस्तों हम लोग बात करते हैं अबाउट सब्जेक्ट. तो अभी पता चल गया क्या पढ़ने वाले हैं, ये भी क्लियर है एकदम. अभी साथ में लिखना मत, पूरे पूरे चार्ट समरी नोट्स हम लोग ये साथ में बनाएंगे, डोंट वरी. पहले तो एक बात बताओ कि ये स्टैंडर्ड्स क्या जरूरी है क्या, ये लिखने से पहले, चलो ऑडिट का आगे लिखने से पहले एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं कि इतना सब प्रवचन दिया भाई स्टैंडर्ड्स के ऊपर, आर स्टैंडर्ड्स रियली रिक्वायर्ड? लिखो आप लोग भी ऐसा क्वेश्चन, आर स्टैंडर्ड्स रियली रिक्वायर्ड? क्या आपको लगता है ऐसा स्टैंडर्ड जरूरी है करके? जैसे आप लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसे इधर आपको क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. बकायदा फाइनल में जब आओगे ना तो आपको ये SAE, SRS, ये SRE, ये सब आपको फाइनल में पढ़ना है. फिर अभी के लिए आपको इंस्टीट्यूट ने बोला बेटा इधर तक ठीक है, समझ ले बस क्या होता है. बराबर. तो सवाल ये है बेटा कि क्या सही में स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता है क्या? नहीं तो क्या हो जाएगा ना, एक आप सोचिए जब आप CA फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर रहे थे तो आप में क्या एक एटीट्यूड था, एक ऐसा बराबर ऐसा भाई चल अपन CA फाउंडेशन पास हुआ भाई. अब इमेजिन करो ना वो जो आपका एटीट्यूड है सर, जब आप CA बन जाओगे उसके बाद तो किसी को गिनती में नहीं लोगे आप. अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पहले एक दो चार दिन तो ऐसा लगता है कि भाई अपुन ही भगवान है. सही में बता रहा हूँ, वो फीलिंग ही अलग है वो. तो अब क्या हो जाएगा कि अगर ऐसा वाला माहौल अगर हो जाता है ना तो हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा भाई, वो अपने हिसाब से ऑडिट करना चालू कर देगा वो. बराबर, अपने अपने हिसाब से करेगा. और अपन जो यूजर्स है वो क्या, इसका मतलब क्या होता है, क्या करा है, किस हिसाब से किया, अपने कुछ आइडिया ही नहीं ना सर. तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने बोला कि बेटा आपको है ना ऑडिट करना है, बट आपको ये स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करना है. और आपको एक बात बताता हूं, ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये इंटरनेशनली ये सेम है, ये इंटरनेशनली सेम है. मतलब अगर कल चल के आपको CA के साथ साथ आपको CPA भी करना है, यू अंडरस्टैंड CPA, व्हाट इज CPA? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जो US की डिग्री है. बराबर. तो आपको अगर CPA भी करना है आपको, उसमें आपको नो डाउट वापस अकाउंट्स ऑडिट ये सब आएगा. तो आप अगर देखोगे ना जो अकाउंट्स में आप जो काम कर रहे हो और ऑडिट में जो स्टैंडर्ड्स आप पढ़ रहे हो, तो आपको सब कुछ सेम दिखेगा. बराबर है कि नहीं? सो ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये इंटरनेशनली सेम है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग शुड बी सेम थ्रू आउट, राइट? क्योंकि आज जो इन्वेस्टर्स है वो सिर्फ इंडिया के इन्वेस्टर्स होंगे जरूरी थोड़ी है. बराबर, बाहर से भी हो सकता है. गूगल इन्वेस्टेड इन एयरटेल, सो एयरटेल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना है उसको, तो वहां के लोगों को, उनके एनालिस्ट को समझ में आना चाहिए ना कि क्या किया है करके. सो दिस इज व्हाट सेम. तो आप जब ये पूरे स्टैंडर्ड्स आप पढ़ोगे, ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, और उस नॉलेज से जब आप कल चल के एप्पल इनकॉर्पोरेशन का या माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन का आप अगर ऑडिट रिपोर्ट भी पढ़ोगे ना, तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन ओवर देयर. व्हाई? बिकॉज़ जो काम हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना हुआ है. समझ में आया आप सबको? सो पहली बात तो ये, हम लोग स्टैंडर्ड्स, आपने लिखा गया ऐसा क्वेश्चन, आर स्टैंडर्ड्स रियली रिक्वायर्ड? तो आप अभी इतना सब डिस्कशन होके स्टैंडर्ड मतलब आपको समझ में आ गया कि एक सेट रूल ऑफ प्रिंसिपल्स है, तो आप मुझे बताएंगे सबसे पहले कि इसकी जरूरत क्या है. इवन इन द लाइव स्ट्रीमिंग आप लोगों को भी बोलना है. चलिए तो एक बेंचमार्क होना चाहिए जिससे कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हम लोग अचीव कर सके, जो मैंने अभी कहा आपसे. लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, व्हाई स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड, आर स्टैंडर्ड्स रियली रिक्वायर्ड? तो क्या लिखेंगे, to ensure audit is carried out against established, to ensure audit is carried out against established standards or benchmarks
against established standards slash benchmarks, ठीक है, at par with global practices, at par with global practices, at par मतलब क्या, in line with global practices. उसके बाद मुझे बताइए सेकेंड पॉइंट. अब ये सोचिए अगर स्टैंडर्ड्स दिया है तो स्टैंडर्ड्स क्या सबको फॉलो करना है क्या? Yes, सबको फॉलो करना है. Yes. आप लोगों ने कंपनीज एक्ट पढ़ा ना आपने? Yes. उसमें आपने ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर पढ़ा है आपने? Yes, पढ़ा है ना आपने ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. उसमें क्या ऐसी एक ड्यूटी थी क्या टू कंप्लाई विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स? है ना ऐसा कि अगर आप ड्यूटीज को फॉलो नहीं करोगे तो आपको 147 में आपको पेनल्टी लगेगा. ऐसी बात हुई थी ना, 143 के अंदर ड्यूटी है और 147 में अगर वो ड्यूटी को कंप्लाई नहीं करेगा तो पेनल्टी लगेगा. मतलब कानून भी बोलता है कि आपको ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या करने पड़ेंगे सर? फॉलो करने पड़ेंगे. इससे फायदा क्या होगा? चलो ये बताइए, अभी फॉलो करना है, इससे फायदा क्या होगा? चलो अपने आप से सोच के जवाब दीजिए. यस, यूनिफॉर्मिटी आएगी. यूनिफॉर्मिटी आएगी तो क्या होगा सोचिए. यूनिफॉर्मिटी आएगी तो हाँ कंपैरिजन होगा. और थोड़ा अच्छे से सोचो, क्वालिटी ऑफ वर्क पे क्या इंपैक्ट आएगा ये बताओ. क्वालिटी अच्छा होगा कि खराब होगा? क्योंकि जो आपको काम करना है वो आपको सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करना है और स्टैंडर्ड्स हमेशा लो सेट करे जाएंगे, हाई सेट करे जाएंगे. हाई तो जो आपका काम जो होगा वो किस हिसाब से होगा? हाई लेवल के हिसाब से होगा. So quality of reporting will be what? High. बराबर good. बोलो high है ना? Second point लिखेंगे. Standards क्यों जरूरी है? To improve quality of, to improve quality of financial reporting. To improve quality of फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. और अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छा होगा तो किसका फायदा होगा? यूजर्स का. यूजर्स का क्या फायदा होगा? वो सही डिसीजन ले सकते हैं. तो आगे ऐड करेंगे, देयर बाय हेल्पिंग क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लिखा ना आपने, उसके आगे लिखेंगे देयर बाय हेल्पिंग यूजर्स टू टेक, देयर बाय हेल्पिंग यूजर्स टू टेक informed decisions, thereby helping users to take informed decisions. Correct है एकदम. तीसरा point किसी ने बोला था वहां पे कि सर uniformity होगी करके, तो वो भी क्या हम लोग लिख सकते हैं यहां पे? मतलब जो भी व्यक्ति उस audit report को पढ़ेगा उसको समझ में आएगा कि भैया इसमें क्या लिखा है करके. So third point हम लोग लिखेंगे क्या है advantage, benefit या क्यों standard जरूरी है. They promote uniformity. They promote what? Uniformity. क्या इससे हमारा professional knowledge और skill भी develop होता है क्या? Upskill होते हैं क्या अपन? मतलब क्या होता है ना, कभी कभी कुछ चीजें होती है उसको किस तरीके से verify करना हमें पता नहीं होता है. आप समझ रहे क्या बात को? जैसे एक simple example, वो ईज बस का example दिया था payment gateway का. अब उसके कंट्रोल्स को अगर अपने को चेक करने का है तो मैं कैसे देखेगा यार, मेरे को क्या काम करना पड़ेगा? आइडिया नहीं सर. मेरे को अगर इन्वेंटरी चेक करना है मेरे क्लाइंट का, मान लो आप एसपीसी के ऑडिटर्स हो और आपको बुक्स का इन्वेंटरी चेक करना है, तो आपने कब चेक करना है, कैसे चेक करना है, किस तरीके से चेक करना है, आइडिया नहीं सर. तो इसमें आपको नॉलेज और स्किल आपको कौन देगा? स्टैंडर्ड्स. एज द नेम सजेस्ट, स्टैंडर्ड इट प्रोवाइड्स व्हाट? गाइडेंस. समझ में आपको, आपको हेल्प करेगा वो कि किस तरीके से आपने पर्टिकुलर काम को एग्जीक्यूट करना है. सो नेक्स्ट एडवांटेज या रिक्वायरमेंट हम लोग क्या कहेंगे, दे इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, दे इक्विप, इक्विप, ई क्यू यू आई पी, दे इक्विप, इक्विप, इक्विप क्या? प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स with professional knowledge and skill.
with professional knowledge and skill. ठीक है? एंड साथ ही साथ क्या ऑडिट का क्वालिटी भी बढ़ जाएगा क्या? क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जो हमने ऊपर पॉइंट में लिखा है, बट क्या ऑडिट का क्वालिटी भी बढ़ जाएगा क्या? यस सर. सो ऑल्सो हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट पॉइंट, इंप्रूव्स ऑडिट क्वालिटी. क्लियर है? अब यहां पे एक बात ध्यान में रखना, इन सब स्टैंडर्ड्स का एक पप्पा स्टैंडर्ड है. मतलब आपने देखा होगा कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे या नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स पे अलग अलग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं. कहीं एसए तो कहीं एसआरई तो कहीं एसआरएस या कहीं एसएई, बराबर हमने ऐसा देखा ना. बट इन सबके ऊपर सर क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, इन सबके ऊपर कोई भी काम करो आप, यू आर परफॉर्मिंग एनी एंगेजमेंट, एक एंगेजमेंट स्टैंडर्ड आता है जिसका नाम, और एक ही स्टैंडर्ड है वो है SQC 1. गेस करो क्या होगा? एस मतलब स्टैंडर्ड, क्यू वेरी गुड क्वालिटी कंट्रोल. तो एक स्टैंडर्ड है वो कौन सा है? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल. मतलब चाहे आप ऑडिट कर रहे हो या अश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो या रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो या रिलेटेड सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हो, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ प्रैक्टिशनर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई जो भी काम आप करो आप वो अच्छे क्वालिटी का करो. तो अच्छे क्वालिटी का मतलब क्या है, वो कैसे करना है, उसके लिए जो स्टैंडर्ड जो आता है वो कौन सा है? SQC 1. समझ रहे हैं? एक ही स्टैंडर्ड है बट वो सब पे भारी है, वो मतलब सबके लिए काम में आएगा वो. समझ में आया आप सबको? बोलना पड़ेगा आपको यस सर. सो SQC 1 गुड पक्का? यस सर. अभी हम लोग जो है ना एक लंच ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ध्यान से सुनना, पोस्ट सेशन लंच क्या होने वाला है डिस्कशन, हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रीजनेबल अश्योरेंस, लिमिटेड अश्योरेंस, रिव्यू, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन. बात होगी क्या ऑडिट इन्वेस्टिगेशन है या ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग है, ओपिनियन क्या है इसके बारे में, थोड़ा हम लोग क्या करने वाले विस्तार में हम लोग बातचीत करेंगे. सो अगला एक घंटा काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. राइट? सो सी यू गाइज आफ्टर द ब्रेक. थैंक यू. 2:15 शार्प हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा वो एक घंटा में तो कंप्लीट नहीं मिलेगा अगर लेट हो गए तो. ठीक है चलो.
Carnival. The last ride. King. Tu aake dekh le. Carnival, the last ride. King, tu aake dekh le, oh maine raatein kitni saari. Hello. हेलो माइक चेक. लोग कहते बेचारा जरा पूछो तो क्यों हारा जब प्यार मिला नहीं तो दिल का कत्ल कर नाम बना डाला ये झूमता वारा कैसे जीता चला जा रहा बेखौफ निगाह मेरी झांक के देखो तो ताज बना आ रहा पर तेरे आगे कुछ भी नहीं सब खाक बराबर मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर पर तेरे आगे कुछ भी नहीं सब खाक बराबर मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर के तू मेरी आंखों में है पूरी जचती और तेरे आगे मेरी नहीं एक चलती ये दुनिया वाले निकाले ना कमी मैं अपने ऊपर ले लूं तेरी सारी गलती और मिट जाएंगे ये फासले बन जाएंगे नए काफिले ए ए तस्वीरों को देख के उठती तड़प मैं रोकता खुद को नहीं आंसू आ जाते हैं
मैं वो नहीं जो करे प्यार किसी से भी, नाम का रख के फर्क, बस मेरे आगे अपनी ही तू बात करा कर, दिल दुख ना जाए मेरा थोड़ा ध्यान रखा कर, बस मेरे आगे अपनी ही तू बात करा कर, दिल दुख ना जाए मेरा थोड़ा ध्यान रखा कर, के तू मेरी यादों में है पूरी बसती, और तेरे सिवा कोई अच्छा लगता नहीं, ये दुनिया वाले निकाले ना कमी, मैं अपने ऊपर ले लूं तेरी सारी गलती, और मिट जाएंगे ये फासले, बन जाएंगे नए काफिले, ए सेटल हो जाओ सब लोग। चलो एवरीबॉडी थोड़ा आवाज आवाज बढ़ो ना। चलो गाइस सेटल हो जाओ जल्दी। खाना हो गया आप सबका? थोड़ा सा कमी करा आवाज। एवरीवन यस डन। क्या नहीं घर जाके खा क्या? कल से लाऊंगा टिफिन, कल यहीं बैठ के खाऊंगा कल से। हाँ
ज़्यादा लेके आऊँगा मैं, ठीक है ठीक है। इधर ही अपन बूफे लगा लेंगे ऐसे ऐसे कुछ सब आ जाओ जल्दी, क्या कर रहे हैं? हाँ बाकी के लोग भी आने, तो आ जा तू। क्या हुआ? तीन चार दिन और। चलो 2:15 शार्प स्टार्ट करेंगे हाँ, क्योंकि अपने को फिर एग्जैक्टली वन आवर मिलेगा, फिर नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 2:30 स्टार्ट करेंगे और 3:15 को छोड़ेंगे तो अगला सेशन कोई मतलब भी नहीं रहेगा। चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग आ जाओ फटाफट, अपने अपने दोस्तों को बोल दो सर आगे क्लास में। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस ओके चलो, सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बच्चों ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ा था, सुना था, समझा था, और खुफिया सूत्रों से पता चला है कि आप लोगों को काफी अच्छा लग रहा है ये सब्जेक्ट के बारे में, राइट सो अब जो है सुनिए सब लोग, आवाज क्या हुआ, पागल हो गए हो क्या? सही आवाज। चलो ओके तो बात यह हो रही थी कि ऑडिट के बारे में हम लोग ने जानकारी ले ली थी। क्या वो पीछे का आवाज नहीं है क्या? देख एक बार चेक कर। सब लोग एकदम 2 मिनट के लिए चुप बैठेंगे, जो बच्चा चुप बैठेगा वही पास होगा। अपने करियर के साथ रिस्क मत लेना, करियर है ना बेटा, फेल हो गया तो करियर बर्बाद हो जाएगा। हेलो माइक चेक, आवाज आ रही है सबको? यस ओके तो सबसे ये चलिए खेल शुरू करते हैं फिर से। तो दोस्तों हम लोग ब्रेक पे जाने के पहले हम लोग ने बातचीत करी थी कि ऑडिट किसे कहते हैं, किसे हम लोग रिव्यू कहते हैं, किसे हम लोग अश्योरेंस एंगेजमेंट्स कहते हैं, और रिलेटेड सर्विसेज हम लोग किसे कहते हैं, ऐसी कुछ बात हुई थी अपनी, याद है आप लोगों को? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, जब हम लोग काम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कर रहे हैं, सब लोग साथ में रहना मेरे, हम लोग काम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कर रहे हैं बोलो यस, उसके ऊपर अगर हम लोग रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हैं बोलो यस, तो उस काम को क्या कहलाया जाएगा? क्या आप इस बात से सहमत है? तो अब अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले आज हम लोग सीखेंगे, अभी इतना सब होने के बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। लिखेंगे चलो साथ में लिखना है डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या है इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है? रेडी है सब लोग? ओके सो क्या कहते हैं, व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट किसे कहेंगे, एन ऑडिट इज एन, लिखिए अच्छे से, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, राइट, वेदर WH वाला वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, कॉमा इररिस्पेक्टिव
क्या हुआ बेटा? एंड एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, ठीक है ओके, और लीगल फॉर्म कॉमा व्हेन सच एन एग्जामिनेशन, सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन. तो ये जो आपके सामने जो आपको दिख रहा है दोस्तों, बराबर, इसको हम लोग कहेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑडिट. क्या कहेंगे इसको? सो क्या है ये डेफिनेशन ऑफ ऑडिट? एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. अब एकदम आराम से ध्यान से इस definition को हम लोग समझेंगे, क्योंकि सुबह से जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो हम लोग focus कर रहे हैं कि sir audit exactly एक practitioner को auditor कब बोला जाता है. अब हम लोग बात करेंगे कि audit का मतलब क्या होता है, नहीं तो क्या हो जाएगा sir कि public बोलेगा कि यार पूरा आज का lecture हो गया बट ऑडिट का मतलब क्या है, वो ऑडिट का मतलब ही नहीं पता. क्या मतलब ही नहीं पता ना, ऑडिट किसे कहते हैं. सो अब हम लोग पूरा विस्तार में जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज एन ऑडिट. सो फर्स्ट पॉइंट अगर आप लोग स्क्रीन पे फोकस करोगे स्टेप बाय स्टेप, सो हम लोग एक बात यहां पे देखते हैं वो क्या लिखा हुआ है. ऑडिट इज व्हाट? इंडिपेंडेंट तो हटा दो, मेन क्या है अपना. सो ऑडिट इज व्हाट? एन एग्जामिनेशन. ये अभी तो आपको समझ में आया ना आपको कि जब हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं अपन? वी आर कंडक्टिंग व्हाट? एन एग्जामिनेशन. हम लोग कर रहे हैं चेकिंग, हम लोग कर रहे हैं वेरिफिकेशन. सो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन. एंड जब हम लोग ऑडिट ये एग्जामिनेशन से लिंक कर रहे हैं और ऑडिट मतलब बोल रहे हैं तो आपको यह भी पता है कि वो किस पे होने वाला है. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अभी देखो अभी डेफिनेशन जो है ना इसको अभी अपने को लर्न नहीं करने का है, ये पूरा लॉजिकली इसको डेवलप करना है कि ये जो डिफाइन किया गया है ये टॉपिक तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है. सो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑडिट मतलब हम सब जानते हैं कि इट इज गोइंग टू डील विथ व्हाट? एग्जामिनेशन. बट ये एग्जामिनेशन किस पे होने वाला है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. समझ में आया आपको? तो जो भी जानकारी आप लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिखती है उस जानकारी को हम लोग कहते हैं क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. जैसे अगर मैं कहूं कि हमारे एज ऑन 31st ऑफ मार्च इतना कैश बैलेंस था, इट इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. आप यूजर्स के लिए ये जानकारी होगी ना कि 31 मार्च के समय पे कंपनी के पास इतना इतना कैश पड़ा हुआ था. डेटर्स का बैलेंस दिखता है जिसमें हम लोग लिखते हैं कि डेटर्स जो है करंट डेटर्स एंड नॉन करंट डेटर्स, करंट क्रेडिटर्स एंड नॉन करंट क्रेडिटर्स, ऐसा लिखते हैं ना अपन. तो ये भी जानकारी आपके लिए है ये एज अ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सो जो भी जानकारी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है वो जानकारी सही है या नहीं है, बराबर, उसका एग्जामिनेशन करना इज नथिंग बट व्हाट वी से इज ऑडिट. तो बेसिक आपको समझ में आया व्हाट इज ऑडिट? एवरीबॉडी कम ऑन, यस और नो? देखो आपको बोलते जाना है अभी, नहीं तो बहुत ऊपर चले जाओगे और इतना ऊपर जाओगे वहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो संभालो अपने आपको और जैसे मैं बोलते जा रहा हूं मेरे साथ साथ क्वेश्चंस आंसर्स इन्वॉल्व रहो, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, बराबर से है ना अपना वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा. एक दो दिन लगेगा पोस्ट लंच वाले सेशन में सेटल होने के लिए बट एक बार वो हो जाएगा तो चीजें आराम से आपको आदत हो जाएगी. क्लियर है एकदम? यस सर. सो ऑडिट मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं कि इट इज एग्जामिनेशन? बोलना पड़ेगा. क्या वो ऑडिट किसका होगा बच्चों? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का. ये तो समझ में आ गया बट इसके पीछे
इन्होंने प्रीफिक्स जो लगाया है ना, ये बहुत बढ़िया चीज कही है इधर. क्या कहा? ऑडिट इज नॉट जस्ट एग्जामिनेशन. रे भाई, वो क्या बोल रहा है? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. और जब अगर अपन यहां पे दोस्तों हम लोग इधर आते हैं ना, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आते हैं, अपन ने देखा था ऑडिट रिपोर्ट, मतलब उसका स्टार्ट हमने देखा था ना. सो टाइटल क्या दिया था, हेडिंग क्या था? यस, ये रहा आपके सामने. तो हम लोग यहां पे क्या देख रहे कि ये जो एग्जामिनेशन है ये कैसा हो रहा है भाई? इट इज नॉट जस्ट द ऑडिटर्स रिपोर्ट. वो वर्ड क्या लिखा हुआ है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो आप समझिए, ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर काफी स्ट्रेस दिया गया है. सिर्फ एग्जामिनेशन करना इज नॉट द पार्ट, बट दैट एग्जामिनेशन शुड बी डन व्हाट? इंडिपेंडेंटली. अब आप ये पूछेंगे कि सर ये इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? What does independence means? और ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है. सो इंडिपेंडेंट किसे कहेंगे? ध्यान से सुनना, मैं बोलता हूं अनबायस्ड वगैरह वो ठीक है. इंडिपेंडेंट मतलब क्या कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हो वो बिना किसी दबाव के, बराबर, बिना किसी के प्रेशर के आप वो क्या कर रहे हो, वो पूरा काम आप कर रहे हो. समझ रहे बात को? मतलब यू आर नॉट सबॉर्डिनेट, इंग्लिश में बोल रहा हूं, यू आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द डायरेक्शंस और विशेस ऑफ द पर्सन हु हैव एंगेज्ड यू. आप जो काम कर रहे हो ना वो किसी के कहने सुनने के हिसाब से नहीं कर रहे हो, आपको जो लगता है उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो. मैनेजमेंट आपको बोलेगा कि ऐसा ऐसा करो, बराबर के नहीं? मैनेजमेंट के डायरेक्शंस को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, जो मुझे सही लगता है वो मैं काम करूंगा. आई बात समझ में आपको? क्या हुआ? क्या वही करते हैं. हाँ, बहुत अच्छा, आगे जाओगे बहुत, है ना? यही तो इंडिपेंडेंस ऑडिटर की निशानी है ये. तो आप समझने की कोशिश कीजिए, बीइंग इंडिपेंडेंट मींस व्हाट? विदाउट बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सन हु हैव एंगेज्ड यू. नहीं तो क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे, मैनेजमेंट आपको बोल रहा है कि ये फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं करने का. हम सब ने जाना है, समझा है सत्यम का स्कैम. सत्यम के स्कैम ने आपने क्या सुना था, क्या समझा था? रामलिंगम राजू, बराबर, और पीडब्ल्यूसी के ऑडिटर्स. इतने करोड़ों का जो फ्रॉड हुआ है वो किसके साथ हुआ? वो ऑडिटर्स के साथ मिलके किया ना उन्होंने. मतलब जितने एफडी रिसीट्स नहीं थे उतना एफडी रिसीट्स बताया, जितना सेल नहीं था उतना ज्यादा सेल दिखाया. मतलब उनको विप्रो और टीसीएस ऐसे बड़े बड़े कंपनी से चैलेंजेस, बोलो मतलब कंपटीशन इतना सीवियर था, और स्टॉक मार्केट में अपना रेपुटेशन बरकरार रखने के लिए उनको हायर प्रॉफिट्स रिपोर्ट करने थे, बट एक्चुअल में पोजीशन वैसा नहीं था. तो उन्होंने फिक्टिशियस एफडी रिसीट्स, फिक्टिशियस सेल्स, ये सब बुक किया, और ऑडिटर्स ने भी हाँ करो करो, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे सिंपल एक ऑडिट टेस्ट भी करते हैं ना, तो उससे क्या हो जाता, ये समझ में आ जाता कि ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. बट क्या हुआ, इन्होंने जो ऑडिटर्स थे वो, उन्होंने क्या किया, रामलिंगम राजू का इसके अंदर साथ निभाया, बराबर है, और फिर अपना रिपोर्ट्स देते गए. तो ये तो गलत बात हो गई ना. तो हम क्या कहते हैं कि आप जब एग्जामिनेशन कर रहे हो तो वो ऐसा वैसा एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, वो एग्जामिनेशन होना चाहिए इंडिपेंडेंट. किसी के दबाव के नीचे आके आपने आपका काम नहीं करना चाहिए. समझ में आया आपको? जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, एक सिंपल एग्जाम्पल, आप अगर है ना, जैसे मैं मान लो मैं सीए बना था ना, तो सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करना था भाई, तो ऑफिस वगैरह सब स्टार्ट किया और काम चाहिए था. ऐसा तो होता नहीं है कि आप दुकान डाल के बैठ गए और क्लाइंट्स की लाइन लग गई, अः भैया हमारा रिटर्न फाइल करो, हमारा रिटर्न, ऐसा तो होता नहीं है. टाइम लगता है भाई, जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो से लेके आपको जब क्लाइंट्स मिलना चालू होते हैं, इट टेक्स टाइम, बराबर है. तो अब अगर ऐसे टाइम पीरियड में जब आपके पास कोई क्लाइंट्स नहीं है तो मालिक आप कहां जाओगे? आप घर में ही आओगे, घर वालों को बोलोगे कि पापा जो आपका बिजनेस का रिटर्न फाइल होता है जो आप ऑडिट कराते हो, तो अभी आप बाहर मत दीजिए, आप मुझे करवाने दीजिए, ये मैं करना चाहता हूं, अब मैं सीए बन चुका हूं. पहले तो पापा बोलेंगे रहने दे बेटा, तू रहने दे तो अभी, क्योंकि अभी तक भरोसा नहीं है ना उनको ऐसा. तो मैं बोल रहा हूं कि नहीं नहीं पापा प्लीज लेट मी डू इट प्लीज. तो पापा ने कहा कि चलो ठीक है नेक्स्ट ईयर से कर लेना. तो आई वॉज लाइक कि चलो ओके, फर्स्ट लाइन तो फिक्स हो गया अपना. अभी क्या हुआ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा,
अब जब ऑडिट कर रहे हैं तो सब देख रहा हूं, खर्चे इनकम ये वो सब, और दिख रहा है कि ऐसा ऑन पेपर पे लॉस, क्या दिख रहा है अपने को ऑन पेपर लॉस, कुछ सही नहीं लगा यार। अब उसी घर में रहता हूं, रोज पापा के साथ उठता बैठता हूं, पता है कि पैसा है, लॉस नहीं है कुछ भी। झूठ बोल रहे हैं, गया ना पापा के पास, ओ डैडी दिस इज रॉन्ग, ये क्या आपने ऐसे नहीं चीटिंग करा है, मैं अभी अभी मोदी जी को बोल रहा हूं मैं, है ना, मैं रिपोर्ट करेगा इसको, पापा बोलेंगे बेटा इधर, एक मैं तो, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कैसे लगा मेरा मजाक, है ना, अरे आई वॉज जस्ट किडिंग, आई वॉज जस्ट जोकिंग, है ना। तो आप मुझे बताओ ऐसे केस में मैं बताओ इंडिपेंडेंट हूं या नहीं हूं, नहीं है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है हमने कैसे रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट। हम लोग किसी के दबाव के अंदर आके हम लोग काम नहीं कर सकते, और इसी इंडिपेंडेंस को लेके आप समझिए हम लोग इस सिलेबस का आखिरी जो चैप्टर है एथिक्स, उसमें भी हमको सिखाया जाता है कि एज एन ऑडिटर यू शुड बी व्हाट, इंडिपेंडेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोड ऑफ कंडक्ट है बराबर, जिसके अंदर आपको शेड्यूल पार्ट क्लॉजेस बहुत कुछ ऐसे है ना, अपना प्रोफेशनल एथिक्स नाम का, आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे उसको, तो उसके अंदर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने लिए बहुत सारे रूल्स कंडीशंस दिए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और इन सर्विस क्या क्या कर सकता है क्या क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में जानकारी दी है। सिंपल एग्जांपल, अपने इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या कभी आपने आज तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ये बड़े बड़े बोर्ड देखे क्या, एक्स वाई जेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बराबर, एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक्स वाई जेड एंड कंपनी चार्टर्ड, बड़ा बड़ा ऐसा बोर्ड जिसमें लाइटिंग ऐसा डिच्ची डिच्ची ऐसा लाइटिंग पूरा ऐसा, ऐसा देखा कभी आज तक आपने, क्यों नहीं देखा ऐसे? अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट का बोर्ड देख के कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा कि और क्या मस्त बोर्ड है, चल जरा इसकी दुकान में जाके आते हैं एक बार, सवाल ही नहीं है। अरे भाई पान वाले का बोर्ड बड़ा होगा एज कंपेयर टू द सीए ऑफिस में जो अपन बोर्ड लगाते हो, मालूम है आपको, क्योंकि अपनी इंस्टीट्यूट क्या बोलती है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप जाने जाने चाहिए आपके काम से, आप कितना अट्रैक्टिव बोर्ड लगाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपना सीए एक्ट बोलता है कि ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और क्या लिखा हुआ अपने कोड ऑफ एथिक्स में, आपको जैसे बैंक से क्रेडिट कार्ड कंपनी से आपको फोन आता है कि क्या आप क्रेडिट कार्ड लेने में इंटरेस्टेड है, हम आपके लिए ऑफर लाए हैं, या ऐसा कुछ अपने ऐसे आए होंगे ना बहुत सारे, आपको टेलीकॉम कंपनी से आया होगा, बैंक से फोन आया होगा, हाँ तो वो तेरे कैरेक्टर के हिसाब से बराबर है ना, देखो रात में फोन आते तो कैरेक्टर देखते हो लोग, है ना, वो मालूम क्या तेरे को ऐसा, वो मोबाइल में ऐसा सर्च हिस्ट्री होता है वो, ऐसा मालूम वो तेरे को लगता होगा इनकॉन्क्रीटो मोड में चलता रहेगा वो, बट तो वो सब वो उसको क्या बोलते हैं, वो डेटा ट्रैकिंग और वो सब जो होता है ना वो सब रहता है वो हम लोग डिजिटल ऑडिट में पढ़ेंगे उसको। तो हम लोग जिसने भी बोला आप हिसाब से लगा लो उसको, तो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। तो जैसे भैया को ऐसे रात में कॉल आते हैं तो आप समझिए, वैसे कभी आपको आज तक कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस से कभी फोन आएगा कि हेलो हम एक्सवाइजेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफिस से बात कर रहे हैं, एक बार आप हमारे पास से रिटर्न फाइल कर लीजिए ना, हम बहुत अच्छा रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आप है ना 20th July के पहले फाइल कर लोगे तो हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे, ऑफर अवेलेबल फॉर लिमिटेड पीरियड ओनली, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ऐसा कभी आपको आज तक कभी फोन आया कोई भी सीए ऑफिस नहीं आया, आ भी नहीं सकता ना, क्योंकि आप समझिए आप कभी भी अपने क्लाइंट को सॉलिसिट नहीं कर सकते। सॉलिसिट का मतलब क्या है, आग्रह करना, सॉलिसिट मतलब क्या, आग्रह करना, फोर्स करना। तो आप समझिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग ये ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है अपना जो इंडिपेंडेंस है ना वो अफेक्ट होता है, क्योंकि अपने को अगर अपन क्लाइंट्स को सॉलिसिट करेंगे, अपन उनको बोलेंगे कि प्लीज आप हमारा काम, हमें काम दीजिए, हमें काम दीजिए, और अगर हम लोग को कुछ गड़बड़ दिखेगा तो हम लोग बोलेंगे कि आपने तो गलत किया है, वो बोलेगा मत रिपोर्ट करो, मैं बोला नहीं मैं तो करूंगा, तो ठीक है हम लोग कोई दूसरा ऑडिटर ढूंढ लेंगे, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, फिर अपन प्रेशर में आ जाते ना फिर। तो इसीलिए आप समझिए जो हम लोग काम कर रहे हैं ना दोस्तों,
वो डेफिनेशन क्या बोलता है उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको समझिए, और जो ऑडिट रिपोर्ट भी हम लोग देख रहे हैं उसमें भी क्या लिखा है उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो ये बात हम लोग को समझ में आती है कि ऑडिट इज नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन बट इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, समझा बात को, ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लॉजिकली समझ में आया क्या है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स है एग्जामिनेशन को लेके कि इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब उसके बाद आगे क्या होता है ना दोस्तों, आप समझिए बात को, ऑडिट किसका होगा? नो डाउट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होगा, बट वो क्या लिखा है आगे, ऑफ एनी एंटिटी। आपको यह चीज ध्यान में रखना है कि यहां पे वर्ड जो यूज किया है वो क्या यूज किया है, एंटिटी। क्या होता है, हम लोग जब लॉ पढ़ के आते हैं तो हम लोग को बार बार कंपनी 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 बोलने की आदत हो जाती है, और हम लोग हमारे आंसर्स में भी हम लोग क्या लिखते हैं, ऑफ एनी कंपनी ऐसा लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऑडिट जो है ना ये कोई भी एंटिटी का हो सकता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। इट कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी HUF, इट कैन बी पार्टनरशिप फर्म, इट कैन बी व्हाट AOP, BOI, एनी क्या बोलते हैं, पूरा आपने टैक्स में पर्सन के बारे में आपने वो लिस्ट पढ़ा हुआ है, तो इट कैन बी एनीबडी गाइस। सो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट, कंपनी, क्योंकि कंपनी लॉ यस इट इज ऑब्वियसली ओनली फॉर व्हाट, कंपनीज। बट जब हम लोग ऑडिट की बात करते हैं, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो हम लोग यहां पे क्या समझते हैं कि ऑडिट इज कंडक्टेड ऑफ एनी एंटिटी, किसी का भी ऑडिट कर सकते हैं। अब देखो जब हम लोग बात करते हैं ना कोई भी एंटिटी का, तो इसके अंदर है ना दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ एंटिटीज को कानूनन ऑडिट करवाना पड़ता है। क्या बोला सर ने? कुछ कुछ एंटिटीज को कानूनन ऑडिट करवाना पड़ता है। कानूनन ऑडिट करवाना पड़ता है मतलब बाय लॉ कंपल्सरी तुमको ऑडिट करना ही है, समझा क्या बात को? जैसे कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट आर रिक्वायर्ड टू गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, मतलब आप कंपनी हो ना, फिर चाहे आप स्मॉल कंपनी हो, डोरमेंट कंपनी हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइप ऑफ कंपनी, हर कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिट करना कंपल्सरी है। अगर हम लोग इनकम टैक्स की बात करें तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन 44AB की बात करते हैं, प्रिजम्प्टिव सेक्शन 44AD की बात करते हैं, तो अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं तो क्या उन्हें भी ऑडिट कराना कंपलसरी है क्या? यस सर। बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, उन्हें भी ऑडिट कराना जरूरी है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, उन्हें भी ऑडिट कराना जरूरी है। आप समझने की कोशिश कीजिए, लॉज होते हैं जो बोलते हैं कि आपको ऑडिट कराना जरूरी है। ऑन द अदर एंड कोई कोई लोगों को ऑडिट कंपलसरी नहीं होता है, बट फिर भी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए वो लोग क्या करवाते हैं, ऑडिट कराते हैं। जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अगर आप देखोगे तो उसमें कहीं नहीं लिखा है कि पार्टनरशिप फर्म्स को ऑडिट कराना है करके, बट फिर भी अगर हम लोग को लगता है कि पार्टनर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, प्रॉफिट लॉस कितना है कितना नहीं, तो ऑडिट करा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में भी कोई भी प्रोविजन नहीं है कि आप ऑडिट कराए, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आप कर लीजिएगा ऑडिट, कोई दिक्कत नहीं। सोल प्रोप्राइटर कोई कानून ही नहीं है भाई, बराबर के नहीं, तो आप समझिए उसके लिए भी कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपने ऑडिट कराना है तो आप करा लीजिए। तो बॉटम लाइन हम लोग यहां पर क्या समझते हैं कि ऑडिट कैन बी कंडक्टेड ऑफ व्हाट, एनी एंटिटी। आगे उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए है ऑफ एनी एंटिटी के, आपको अब लॉजिकली समझ में आएगा वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। आप प्रॉफिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप ऑडिट अगर करना चाहते हो तो आपका ऑडिट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं और ये क्यों आपने सुनना है समझना है, फिर से आपको याद दिला दूं, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग आपका ऑफिस डाल के बैठे हो, आपको ऑडिट करना है तो आप ये सोच रहे हो कि भाई हम लोग किसका किसका ऑडिट कर सकते हैं, एनी एंटिटी। प्रॉफिट वाले का ही करना है क्या? जरूरी नहीं है, लॉस वाले का भी ऑडिट कर सकते हैं। समझ में आएगा आपको? क्या सिर्फ सेक्शन 8 कंपनीज या ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का ही होगा क्या, या कहीं और किसी का और के भी हो सकता है? किसी का भी हो सकता है। सो बताओ, ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। साइज मतलब क्या कहेंगे, वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है बराबर, स्मॉल स्केल, माइक्रो मीडियम स्मॉल, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो,
या तो वो उसका लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म मतलब भाई हम बात कर रहे सोल प्रोप्राइटर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, LLP, भाई कोई भी लीगल स्ट्रक्चर हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी ऑडिट हो सकता है। ये स्टेटमेंट्स आपको क्यों ध्यान में रखना है, सर हम लोग इतना उसको क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं, तो आपको बस बता दूं दोस्तों कि ऐसे स्टेटमेंट्स आपको फिर ट्रू एंड फॉल्स में पूछे जाएंगे, समझ में आया आपको, तो उसका लॉजिकली हम लोग को आंसर लिखते आना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग ये बातें सब समझ रहे हैं। सो हमने क्या कहा, इट कैन बी कंडक्टेड ऑफ, बोलना पड़ेगा बच्चों, ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फर्म, बराबर है कि नहीं। अब ये एग्जामिनेशन हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि क्योंकि हम लोग क्या एक्सप्रेस कर सके, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, ये ओपिनियन हम लोग ऑडिट रिपोर्ट में देंगे। और अगर आप देखोगे ऑडिट रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिपोर्ट ऑन दी ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिख रहा है आपको ऑडिट वर्ड कब यूज होता है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, क्योंकि ऑडिट जब बोलेंगे तब उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा और अश्योरेंस कौन सा होगा, रीजनेबल अश्योरेंस, समझा क्या बात को। तो अगला पॉइंट आपको तुरंत यहां पर क्या दिख रहा है दोस्त, क्या दिख रहा है आपको, ओपिनियन, क्योंकि हमारा ऑडिट करने के बाद जो अल्टीमेट अपना जो ऑब्जेक्टिव है, अपना जो गोल, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या है, ओपिनियन देना। ओपिनियन देंगे उसके बाद जो है जो यूजर्स है ना, यूजर्स बराबर, वो लोग क्या करेंगे, अपने डिसीजन लेंगे ना भाई, समझा गया बात को। सो अपना काम क्या है, ऑडिट करके ओपिनियन देना, अपना काम क्या है ऑडिट करके, अपना काम क्या है ऑडिट करके। तो आपको ऑडिट का प्राइमा फेसी डेफिनेशन समझ में आया, स्क्रीन पे देख के सब लोग साथ में बोलेंगे, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। सो बच्चा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, एकदम अच्छे से, जो जितने जोर से बोलेगा वो उतना जल्दी पास हो जाएगा, ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए सो वापस एक बार हम लोग बात कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिट की, चलो लेट्स रॉक गाइस। ऑडिट इज एन, स्क्रीन पे देख के बोलना है साथ में, मेरे साथ सुर ताल में बोलना है, पूरी क्लास एक साथ बोलेगी, चलो। Audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit-oriented or not, irrespective of its size or legal firm, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. Ek baar fir se hum log, एक बार फिर से हम लोग स्क्रीन पे देख के अच्छे से बोलेंगे, क्या आप लोग कर सकते हैं? फिर उसके बाद स्क्रीन से हटा दूंगा और फिर आप लोग को क्या करना है, बोलना है, हो जाएगा? यस सर, कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स रॉक। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एवरीबॉडी? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal firm, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. एक दो मिनट बाद ये बताना, अभी स्क्रीन पे जो है वो रहन देना, लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चों को वो डेफिनेशन स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, या वापस एक बार जस्ट लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ऑन स्पेशल डिमांड, राइट, यस, ओके। क्या पढ़ रहे हैं अपन, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट होएगा आपसे, देखो स्क्रीन पे देख के बोलना है, आपको स्टाइल नहीं मार रहे, नहीं तो क्या, स्क्रीन पे देख के, मैं काय को देखूं स्क्रीन पे, मैं नहीं देखेगा, और जब मैं बोलता हूं बिना देख के बोलो तो देख के बोलेंगे तभी, तो ऐसा खुन्नस में मत आओ, ठीक है, जैसा बोल रहा हूं वैसा करो, स्क्रीन पे देख के आराम से रीड करो, अच्छे से बोलो, हो पाएगा? हाँ, ऐसे बीच बीच में आवाज, ऐसे वो माइक का निकालते रहूंगा ताकि आपकी नींद जो है वो खुल जाए, है ना, वो हमारा सीक्रेट वेपन है वो, ठीक है। चलो सो हम लोग बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, एवरीबॉडी कम ऑन। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फर्म, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। थोड़ा सा स्क्रीन पे देख के फास्ट बोलेंगे, चलो
An audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to express an opinion. Ready? अभी हम लोग पूरा का पूरा डेफिनेशन, आप बुक्स बंद कर देंगे, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करने का अभी, और सारी आंखें स्क्रीन पे होगी और स्क्रीन पे आपको एचडी में दिख रहा है, अभी एकदम एचडी में दिख रहा है, पूरा दिख रहा है डेफिनेशन। रेडी? क्या पढ़ना आपने? एकदम स्लो बोलेंगे, प्यार से। चलो, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to express an opinion. क्या बात है यार, हो गया, समझ में आ गया? वापस एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि कोई लोग बोलेंगे कि आपको ये तुक्के में आया डेफिनेशन, ट्राई करेंगे सही में आता है, जब सेकंड टाइम बोलोगे तो सही में समझेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। रेडी? ऑडिट का डेफिनेशन बोल रहे हैं हम लोग, बोलो क्या है? एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or form. When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. Oh yeah, sahi hai ekdam. Kya definition retain hua gaya? Public bolta hai Arshad sir ne rataya. Rataya na, maine rataya na. देखो, आप समझने की कोशिश कीजिए, जब भी हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझ जाए ना, तो वो उसके वर्डिंग्स जो है वो आसानी से हम लोग को रिटेन हो जाएंगे। समझ में आएगा बात आपको? सो व्हेनेवर यू अंडरस्टैंड एनीथिंग, उसको जो याद करना है ना, वो चैलेंजिंग होता नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। समझ में आया आपको? यस सर। अब इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ऑडिट मतलब क्या है, ये आप सबको समझ में आ गया। अब इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ऑडिट करके हम लोग जो बच्चा एक्सप्रेस करने वाले हैं वो क्या है? ओपिनियन। हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्सप्रेस ओपिनियन। जब जब मैं ये ओपिनियन ये वर्ड देखता हूं ना भाई, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। बोलू क्या क्या होता है? जब ये ओपिनियन देखता हूं तो मुझे और एक शब्द जो है वो ध्यान में आता है, वो है एडवाइस। और फिर ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि क्या ओपिनियन और क्या ये एडवाइस दोनों सेम है कि अलग अलग है? खाओ कसम, मेरी मत खाओ, बस कह दो ये सब झूठ है, ये अलग अलग नहीं है। अलग अलग है? पक्का? श्योर? वापस तो नहीं बदलोगे अपना जवाब? पक्का ना एकदम? तो भी ठीक है, मीनिंग बताइए। ओपिनियन का मतलब क्या होता है और एडवाइस का मतलब क्या होता है? हाँ बेटे, ओपिनियन मतलब दीदी बोल रही है हमारे व्यू से हम बता रहे हैं, और एडवाइस मतलब सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पे ऐसा ही हो गया ना, तो यहां पे जो आप लोग इंस्टाग्राम, हाँ हाँ चिड़के, नो वंडर ये सब विजय वैज के चोरे है। चलो कोई बात नहीं। सो आप समझिए दोस्तों, जो इंस्टाग्राम पे आप देखते ना पीओवी पीओवी, ये जो है ये ओपिनियन और एडवाइस जो है ये, नहीं बेटा ओपिनियन में भी मिलता है, पैसा दोनों में मिलता है बेटा। जतिन इमोशनल हो गया तो।
सो यहाँ पे हाँ सो आप समझिए बात को, ओपिनियन की अगर हम लोग बातचीत करते हैं दोस्तों, सुनिए सुनिए सुनिए, जो ओपिनियन हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इट इज फ्रॉम द ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज फ्रॉम आर पॉइंट ऑफ व्यू, अपने नजरिए से देते हैं, ठीक है ना। सो इट इज व्हाट फ्रॉम द ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट एडवाइस जो होता है ये क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। आधा पब्लिक अभी भी क्वेश्चन मार्क में है कि चल क्या रहा है ये पीओवी पीओवी, समझ में नहीं आ रहा है। आप समझिए बात को, नहीं नहीं आप समझिए, डिफरेंस समझिए। जैसे मैं आप लोग आए क्लास में, आप लोग बैठे, आप लोग पढ़ाई करी, और फिर अगर मान लो मुझे क्लास के बाद स्वप्निल सर का फोन आता है, बोलते क्या बच्चे पढ़ेगा आज अच्छे से, तो मैं अगर कहता हूं हाँ या ना, ये क्या हुआ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, समझा क्या। सो आई एम एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। बट जब मैं आपको बोलता हूँ कि अरे बच्चों पढ़ाई करो यार, ये उम्र है अभी आपकी पढ़ाई करने की, ऐसा वैसा, तो मैं ये किसके नजरिए से बोल रहा हूँ, आपके नजरिए से, आपने क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए जब मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको क्या कहेंगे अपन, एडवाइस, क्योंकि मैं आपको ध्यान में रख के बता रहा हूं, समझ में आया आपको। सो आप समझिए बात को, पॉइंट ऑफ व्यू की जब बात करते हैं, व्हेन ऑडिटर एग्जामाइंस दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसको पूरा डिटेल में चेक करने के बाद उसके हिसाब से, क्या बोला सर, उसके हिसाब से उसको क्या लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उसको जब वो एक्सप्रेस करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे एज व्हाट, ओपिनियन। समझा गया बात को। तो ऑडिटर, आप समझिए बात को, ही विल ऑलवेज एक्सप्रेस व्हाट, ओपिनियन। ऑडिटर का काम क्या है, बोलो बोलो बोलो, ऑडिटर का काम क्या है, ओपिनियन देना सर। His job is not to give advice until and unless asked for. जब तक पूछा ना जाए ना, तब तक फुकट ज्ञान मत देना, ठीक है ना। आपको जब उसका पैसा मिलेगा तभी ज्ञान देना, उसका अलग कंसल्टेंसी सर्विसेज होता है, फ्री फंड में ज्ञान नहीं देना किसी को, ठीक है ना। और जब आप अभी सीए परस्यू कर रहे हो, आप सीए बन भी जाओगे ना, तो आसपास वाले या दोस्त जो है ना, वो फ्री फंड का ज्ञान मांगने के लिए आ जाता है। आपने अभी भी एक्सपीरियंस कभी किया ही होगा, कभी कभी आपको टैक्स के बारे में कुछ पूछेंगे, लॉ के बारे में या जीएसटी के बारे में, कोई भी घर वाले, आपके बुआ फूफा ताऊ ताई कोई भी पूछेगा आपको, बराबर, तो आप तो बोलते हो अभी तो पढ़ रहा हूँ रुक जाओ, या तो आप जानबूझ के गलत एडवाइस मत दे देना, ठीक है ना, दुश्मनी निभाने के लिए। सो आप समझिए अपना काम क्या है, अपने को क्या एक्सप्रेस करना है दोस्त, एडवाइस देना है क्या? तो आपको ये स्टेटमेंट है ना ट्रू एंड फॉल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आफ्टर कंडक्टिंग दी ऑडिट, दी ऑडिटर इज सपोज टू एक्सप्रेस व्हाट? इज ही सपोज टू गिव एडवाइस? पक्की बात है एकदम, यस सर। अभी जो विजय बैच वाले ना, उनको उनकी कसम है, अगर अभी पचका गया ना बहुत मार खाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना अभी। सो अब जब ओपिनियन की बात करते हैं, तो ओपिनियन जो है दो टाइप का है, मतलब यहां पे ट्रू एंड फेयर, मैंने क्या बोला, चुप बैठो। अब जब ओपिनियन की जब बात करते हैं, तो दो टाइप के ओपिनियन अपने सामने आते हैं। एक हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट ट्रू एंड फेयर, और दूसरा अपन यहां पे देख रहे हैं इट इज ट्रू एंड करेक्ट। बच्चा लोग, क्या ये फेयर और करेक्ट में भी क्या डिफरेंस है क्या? एकदम सच सच बोलने का, फेयरनेस एंड करेक्टनेस इज डिफरेंट, कोई बताएगा? नॉन विजय बैचा, मैं बता रहा हूं। हाँ बेटा, बेटा ऐसे इंप्रेस नहीं होते, हाँ झूठ नहीं बोलने का। ट्रू एंड फेयर एंड ट्रू एंड करेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस है क्या? बोलो बोलो, तूने था ना तू विजय बैच में, सच बोल सच बोल, ठीक है बोल। करेक्ट की जब हम लोग बात करते हैं, चलिए आइए ना, ध्यान दीजिए ना, करेक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज व्हाट 100% व्हाट राइट, शत प्रतिशत सही है। अब मुझे बताओ क्या मैं ट्रू एंड करेक्ट ओपिनियन दे सकता हूं क्या?
क्योंकि जब ट्रू एंड करेक्ट की बात हो जाती है तो ये ओपिनियन कौन सा बन जाता है? सो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस। और क्या हम लोग एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकते हैं क्या? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो इसीलिए हम लोग जो ओपिनियन देंगे दोस्तों वो कैसा ओपिनियन होगा? ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर मतलब क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रीजनेबल। आया क्या समझ में? सो हम यहां पे जो बात कर रहे हैं, इस डेफिनेशन का जो आखिरी पॉइंट था जिसमें हमने क्या कहा कि हम लोग अपना क्या देने वाले हैं? ओपिनियन। हम लोग एडवाइस, ओपिनियन जो होगा वो कैसा होगा? ट्रू एंड करेक्ट या ट्रू एंड फेयर? सो हम लोग कहेंगे कि बॉस हम लोग यहां पे ओपिनियन देंगे वो होगा ट्रू एंड फेयर, एडवाइस नहीं देंगे, और जो ओपिनियन होगा वो ट्रू एंड करेक्ट भी नहीं होगा। क्या यहां तक आप तक बात पहुंची? Yes, sir. अभी अगर अपन यहां पे आते हैं और आप अगर जस्ट ऐसा हम लोग ओपिनियन पढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग को क्या समझ में आता है। वो क्या कहता है? वी हैव ऑडिटेड द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट, ये तो समझ में आ गया। एज इट्स जॉइंट ऑपरेशन विच कंप्राइज स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैंड अलोन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड एंड द नोट्स टू स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग व्हाट द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है वो। परफेक्ट है एकदम। यस सर, ध्यान दे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चालू है। अब उसके बाद यहां पे वो क्या बोला? इन आर ओपिनियन, मतलब हमारे नजरिए से। अपन ने यही बात करी थी ना, आर पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन आर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, बराबर, इन द मैनर सो रिक्वायर्ड एंड गिव व्हाट? इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो वो बोल रहा है कि हाँ भाई, टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स व्हाट? ट्रू एंड फेयर। आपको समझ में आया क्या हुआ? फेयर, ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड करेक्ट नहीं बोला। यहां तक किसी को कुछ क्वेरी है तो प्लीज पूछो। 10 मिनट का लेक्चर बाकी है, हिम्मत मत हारना, यू कैन डू इट। यस, एक घंटा ही है ना अपना अभी सेशन, ही है तो 10-15 मिनट बाकी है बस, और फिर है ना, हिम्मत मत हारो, यू कैन डू इट, स्टे स्ट्रॉन्ग, है ना। मैं बता रहा हूँ अगला एक घंटा बहुत इजी जाएगा अपना पोस्ट लंच का, आपको पता भी नहीं चलेगा, बट जस्ट मेक श्योर यू आर देयर विथ मी। ओके ओके, हाँ हाँ। सो अभी जो है आप लोग सब लोग ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। हमने कहा हमारा ओपिनियन देना है, ओपिनियन हमें ट्रू एंड फेयर देना है। ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है रीजनेबल अश्योरेंस। बट सर फिर भी ऑनेस्टली बताए तो अभी तक ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि ट्रू फेयर मतलब क्या, रीजनेबल अश्योरेंस मतलब क्या। सही बोल रहा हूं क्या मैं? बस आज अपने को अभी इतना ही डिकोड करने का, एंड देन वी आर डन फॉर द डे, प्रॉमिस। सिर्फ क्या डिकोड करना है अभी अपने को? रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है। रीजनेबल अश्योरेंस और एब्सोल्यूट अश्योरेंस में दोनों में डिफरेंस क्या है? 5 मिनट लगेगा अगर अच्छे से सुनोगे तो, 10 मिनट लगेगा अगर टाइम पास करते करते पढ़े तो, 5 मिनट ऊपर लगेंगे लिखने के लिए बाकी का। तो 15 मिनट ऐसे पूरे करने हैं, कैसे 5 मिनट में निपटाना है, choices yours, very good। तो ध्यान से सुनो, reasonable assurance और absolute assurance मतलब क्या कहते हैं? Absolute मतलब 100% correct, उसमें बिल्कुल भी कुछ भी गलती नहीं है भाई। Absolute assurance मतलब क्या बोल रहे हैं? उसमें बिल्कुल भी कुछ भी गलती नहीं है, 100% सही है वो। बट जाहिर सी बात है, as a chartered accountants हम लोग ऐसा opinion दे सकते हैं क्या दोस्त? क्योंकि आप समझिए कि हम लोग भले ही पूरी श्रद्धा निष्ठा और ईमानदारी के साथ अगर हम लोग काम भी करें तो मैनेजमेंट की सारी गलतियां हम लोग क्या करते हैं, उसको ढूंढ नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग वो लिमिटेशन है, और उस वजह से हम लोग एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो नहीं दे सकते। ये समझ में आया आप सबको? तो फिर अब रीजनेबल अश्योरेंस देना है।
अब रीजनेबल अश्योरेंस मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग, फेयर है। अब फेयर मतलब क्या, जरा इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो फेयर मतलब क्या होता है कि इट गोज लाइक कि इसमें कुछ गलतियां होगी। जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट देख रहे हैं ना फेयर, तो टाटा मोटर्स के ऑडिटर्स क्या बोल रहे हैं कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां होगी। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलतियों से मुक्त है करके, उसमें हम लोग कह रहे हैं कि उसमें गलतियां होगी, बट भाई वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं है, वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं है कि जिससे आपका डिसीजन अफेक्ट हो। तो ऑडिटर क्या बोल रहा है, तू तेरा डिसीजन ले, तेरा डिसीजन इससे कहीं कुछ चेंज नहीं होने वाला, फेयर है सब। समझा गया? कल चल के अगर थोड़ी बहुत गलतियां भी मिल गई ना सेठ, तो भी उससे तेरे डिसीजन में कुछ भी इंपैक्ट नहीं आएगा। हम लोग कहेंगे अभी भी ये क्या है, ट्रू एंड फेयर है। समझ में आया क्या बात, समझा गया बात को? तो अभी भी हम लोग क्या कहेंगे, इट इज व्हाट, ट्रू एंड फेयर। क्लियर है एकदम? तो गलती है, बट वो गलती इतनी बड़ी नहीं है या इतनी कुछ भारी भरकम नहीं है कि जिसके वजह से तेरे डिसीजंस क्या हो सके, अफेक्ट हो जाए। एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को कि कब हम लोग कह सकते हैं जैसे गलती भी है बट ट्रू एंड फेयर भी है। जैसे आप समझिए कि हम लोग ने ना जो बोरोइंग्स लिए हैं, लोन लिया है, तो यहां पे वो जो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड ऐसा कुछ हमने उसका क्या डिस्टिंक्शन किया नहीं है, बट सारा का सारा लोन दिखाया है। तो सारा लोन जो है वो है, बट मैनेजमेंट की गलती क्या है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में बाइफर्केशन नहीं किया। तो अपन क्या बोलेंगे, भाई गलती है बट वो इतनी बड़ी नहीं है कि ठीक है यार। समझा गया बात को? तो ऐसे आप लोगों को हम लोग जब ऑडिट रिपोर्ट और ये ओपिनियंस कैसे ड्राफ्ट कर रहे हैं हम लोग सीखेंगे क्लास में। ये पूरा कैसा ओपिनियन, कौन से ऑडिटर अलग अलग टाइप के ओपिनियन देता है, उसके वेपन्स कौन से है, ये हम लोग सब सीखेंगे। बट आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि फेयर मतलब क्या कहेंगे, फेयर मतलब क्या कहेंगे, इट मे हैव व्हाट, इट मे हैव सम मिसस्टेटमेंट्स, ओके, बट दे आर नॉट सो बिग to affect the decisions of users। इसको बोलते हैं अपन क्या, फेयरनेस। समझा गया कुछ बात को? क्या बोला सर ने, इसमें गलतियां, ये सबको बोलना है भाई। नहीं नहीं सब नहीं बोलोगे तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा देगा भाई मैं। हाँ मेरे पास धमकी बहुत सिंपल है एकदम, बोलने तो ज्यादा पढ़ा देगा। देखा So, इसमें गलतियां, इसमें गलतियां, बट वो गलती इतनी कि जिससे आपके, इंग्लिश में बोलो क्या बोलना है इसको, इंग्लिश में, इट मे हैव सम मिसस्टेटमेंट्स। ऐसा मिसस्टेटमेंट की जगह ऐसा लिखता हूं मैं पहले, ओले रुक जा, इट मे हैव सम व्हाट मिस्टेक्स बट दे आर नॉट सो बिग एज टू अफेक्ट द डिसीजंस ऑफ द यूजर्स। बराबर एकदम, यस सर। सो अपन क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनना, इसको अभी ऑडिट के लैंग्वेज में कैसा लिखने का है। मिस्टेक्स की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो मिस्टेक्स को ऑडिट में हम लोग वर्ड यूज करते हैं एज व्हाट, मिस स्टेटमेंट्स, भारी वर्ड, मिस्टेक नहीं बोलने का। अभी लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको नंबर मिलेंगे। समझ में आया बात को? एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ लीजिएगा, बट जब लिखना होता है एग्जाम में तो वी हैव टू रिप्रोड्यूस व्हाट द टेक्निकल लैंग्वेज। सो मिस्टेक्स मतलब क्या, मिसस्टेटमेंट्स। फिर उसके बाद उसने क्या लिखा, नॉट, क्या लिखा इधर वर्ड, नॉट। अब ये नॉट मतलब क्या बोलना है, इसको टेक्निकल वर्ड क्या बोलेंगे इसकी, तो नॉट मतलब क्या बोलेंगे सर, वो नहीं है, मतलब उसको बोलेंगे इट इज फ्री। समझा गया बात को? वो नहीं है मतलब इट इज फ्री फ्रॉम इट। क्लियर एकदम? और क्या, दे आर नॉट सो बिग टू अफेक्ट द डिसीजंस ऑफ द यूजर्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं एज व्हाट, मटेरियल। आई बात समझ में?
कोई भी जानकारी अगर आपके डिसीजन को बदलने की ताकत रखता है, कोई भी जानकारी अगर आपके डिसीजंस को बदलने की ताकत रखता है, वो जानकारी आपके लिए होती है मटेरियल, बराबर के नहीं? तो वो गलती है, बट वो गलती इतनी बड़ी नहीं है कि जिसके वजह से आपके डिसीजन बदले। तो जो आपके डिसीजंस को बदल सकता है उसको क्या कहेंगे? मटेरियल, बराबर के नहीं? क्लियर एकदम? पक्का एकदम? अभी ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, सुन रहे क्या बात को एवरीबॉडी? जब हम लोग को रीजनेबल अश्योरेंस बोलना है, क्या बोलेंगे हम लोग? इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। फेयर कब कहेंगे? फेयर कब कहेंगे? इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसा अश्योरेंस देना है अपने को। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है तो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो ट्रू एंड फेयर नहीं है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो अपने अकाउंट्स में मटेरियलिटी नामक कुछ सुना होगा ना आपने, पढ़ाया था ना आपको मटेरियलिटी। मटेरियलिटी बेस्ड हम लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, चेक भी करते हैं, वो बात हो रही है। सो फेयर कब कहेंगे? फटाफट बता दो, खत्म कर रहे बात को। व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो आप पूरा टॉपिक समझिए, जब कोई भी प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एग्जामिनेशन करके रीजनेबल अश्योरेंस देगा, उस चीज को हम लोग कहेंगे ऑडिट। आई बात समझ में? ऑडिट करके हम लोग को देना है क्या? ओपिनियन। क्लियर है एकदम? एक बार फटाफट कंक्लूड कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट? आराम से बड़े एकदम प्यार से बोलेंगे, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, सही है? Yes sir. उसके बाद मुझे बताओ, audit करके हम लोग opinion देंगे या advice देंगे? Opinion जो देंगे वो true and fair होगा कि true and correct होगा? True and correct मतलब कौन सा assurance? True and fair मतलब कौन सा assurance? Reasonable assurance देना है तो कैसे होना चाहिए? It should be free from material misstatements. समझ में आया आपको? इसको नोट करो। इतने से के लिए सॉन्ग ठीक है। चलो फिर दो चार क्वेश्चन भी डिस्कस करने अपने। मैंने बोला पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा नहीं बोला मैंने, और पढ़ाऊंगा कल।
है एक राही जाना, चलो गाइस डन, मंजिल हो दिल तो है एक कश्ती जाना जिसका तुम साहिल हो, दिल ना फिर कुछ मांगे जाना, ओके एवरीवन हासिल हो, दिल तो है मेरा, तो लास्ट 30 सेकंड्स आ रही है, आप आओ तो महफिल हो, फिर केस स्टडी डिस्कस करना है, इश्क से ही सारी खुशियां, इश्क ही बर्बाद, चलो एवरीवन ओवर ना, अरे कुछ बोलो, आना लिख रहे नहीं लिख रहे, डन यस, हम दुनिया में यारो बाबू की चलो ध्यान दो अभी, आपको जानना है कि हमने आज कितना पढ़ा, बोलो, ये देखो मैं बताता हूं आपको ये, अरे बहुत मजा आएगा आप लोगों को, मतलब जरा समझो तो सही, जो हम लोग बात कर रहे हैं आज, जो इतना प्रवचनबाजी करा, क्या है क्या नहीं है, स्टैंडर्ड्स में जो कॉन्सेप्ट है ध्यान से सुनो, आपको दिख रहा है मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, रीड करेंगे इसको, ये पूरा मॉड्यूल से पढ़ना है, ये अपने नोट्स में नहीं है, ये जानबूझ के नहीं रखा है क्योंकि इसका बाद में हम लोग राइटिंग करने वाले हैं, सो मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, अभी से फोकस करना, अश्योरेंस क्या होता है मालूम है आपको, मतलब जिस पे हम लोग क्या भरोसा कॉन्फिडेंस दिलाते हैं उसको अश्योरेंस बोलते हैं हम लोग, ओके, इस अश्योरेंस एंगेजमेंट में तीन पार्टी होती है, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, बोला था, अरे देखो आपने क्या क्या पढ़ा है आज, जरा समझेगा आपको कितना आसानी से, आपको इजीली आपने कितना कंटेंट पढ़ा है आपको समझेगा, पहला रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, फिर वो सब्जेक्ट मैटर बनाते हैं बेस्ड ऑन व्हाट एप्लीकेबल क्राइटेरिया, फिर वो होता है किसके लिए, इंटेंडेड यूजर्स के लिए, फिर प्रैक्टिशनर आके उसको इवेल्युएट करके अपना ओपिनियन देता है, रिपोर्ट देता है, दिख रहा है थ्री पार्टी रिलेशनशिप, अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, सब रीड करेंगे आराम से उसको, सुटेबल क्राइटेरिया, सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे ऑडिट एविडेंस चैप्टर में, और रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट फॉर्म, ये उसका समरी है, क्या ऑडिट और रिव्यू के बारे में हमने बातचीत करी, तो याद है मम्मी ने बोला था बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, जाके देखना ऑडिट, नजर में नहीं आया बस देखा जैसा उसको रिव्यू, टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, रीजनेबल अश्योरेंस वर्सेस लिमिटेड अश्योरेंस, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, उसके बाद आप मुझे बताइए, ये एग्जाम्पल्स तो हो गए ठीक है, फिर क्या है हमने रीजनेबल अश्योरेंस लिमिटेड अश्योरेंस ऑडिट रिव्यू एंड अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पढ़ा, फिर उसके बाद ये क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर बाकी है अपना, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स ऐसे किसके लिए लगते हैं, एस आर ई किसके लिए लगता है, ऐसे किसके लिए लगता है, एस आर एस, इतना पढ़ाया आपने आज, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कब एप्लीकेबल होते हैं, लाइन देखो क्या लिखा है, इन कंटेक्स्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करेक्ट है एकदम, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट इट अप्लाइज इन द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर, एग्जांपल जैसे रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन और कंपाइलेशन, फिर उसके बाद रिलेटेड सर्विसेज अकाउंटिंग वगैरह की बात करी थी, ये सब पढ़ाया अपन ने, कंटेंट समझा बस अपना अभी ऐसा टेक्स्ट रीड करना बाकी है, ये सब कंटेंट आपने पढ़ा है, 22 पेज नंबर से स्टार्ट कर रहे थे, अभी ये पेज नंबर आया कौन सा 30, अभी और बाकी है, उसके बाद ये एसक्यूसी के बारे में बोला था, सब पे लागू होता है, व्हाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, आपने अपने नोट्स में लिखा है इसको, आपने नोट्स में खुद ने लिखा है आपने इसको, बराबर है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा आपको, फिर उसके बाद ये ड्यूटीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको, और अब ये हम लोग केस स्टडी फटाफट एक मिनट में सॉल्व करेंगे, यहां से आगे का चैप्टर पूरा खत्म है, 20 से ये एंड तक चैप्टर ही है, अभी ऊपर से अपना थोड़ा सा बाकी है, हम लोग दो दिन में चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, आप लोगों का इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जो हमने कहा था ना सेकेंड हाफ में अपने को करना है, स्टार्टिंग में 2 घंटे में अपने को एकदम समझ के, आपको समझ में आया क्या हुआ, ऐसा करना है, गुड, चलो मी एंड यू, अच्छा इधर लिखा है मी एंड यू प्राइवेट लिमिटेड, आपको जवाब देना है इस केस स्टडी का,
मी एंड यू प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, ताजा ताजा कंपनी है. द प्लांट ऑफ द कंपनी हैज रिसेंटली स्टार्टेड प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय अ बैंक फॉर परचेस एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी. केस स्टडी को समझना तभी आंसर आएंगे, नहीं तो आप घूरते बैठोगे हो क्या रहा है. फर्दर द कंपनी इज ऑल्सो यूटिलाइजिंग वर्किंग कैपिटल क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम द सेम बैंक फॉर मीटिंग इट्स डे टू डे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स लाइक परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर पेमेंट्स एक्सेट्रा. However, just within 6 months of its operation, the management feels that working capital funds are inadequate and situation is creating liquidity issues with the company. Paise ki maramari chal rahi hai. The management of the company has approached its bankers ke paas gaye and requested enhancement of working capital facilities. The bank manager is insisting upon financial statements of the company for the half year, interim financial statements. Along with the report providing assurance in respect of duly signed by chartered accountants as audit is far away. वो बोल रहा है अभी इस पे assurance दे क्योंकि अभी तो half year हुआ है ना, आधा साल अभी और बाकी है तो audit तो नहीं होगा. So assurance तो चाहिए chartered accountant का. It also requires projected financial statements. ऐसी कुछ बात हुई थी अपनी. So ये historical है या prospective है? For the coming years, along with the report from CA providing assurance regarding these projections, to consider request of management. The management approaches CAP, who has qualified recently and started practicing. Reports providing assurance for half yearly results and projected financial statements are sought from CAP, interim B or projected B. The management provides necessary information and records to him in this regard. Assume in the above case, the company only provides trial balance, financial statements in draft, preliminary form, along with the accompanying records for the relevant half year to CAP and request him to provide duly signed financial statements with report for mutually agreed professional fees. Based on the above, answer the following questions. Let's do this. Yes, number one, the management of the company has engaged CAP to issue a duly signed report for half year. Which of the following standards, if any, issued by ICAI are relevant for CAP? Bolo. Bolo. Chalo, chalo, chalo. कल आके हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है? केस स्टडी एक बार आप पढ़ लेना, करते हैं अपन उसको आराम से, ठीक है? डिस्कस करके करेंगे इसको. सो टुमारो फर्स्ट वी मीट, हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर आगे की पढ़ाई हम लोग करेंगे, राइट? आई होप टुडे सेशन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू हैड गुड टाइम. सी यू गाइस टुमारो. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.